नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ले लो साहब, सनस्क्रीन ले लो साहब, ले लो। भाई साहब, भाई साहब। कह रहे क्या हुआ? आपका टायर पंचर है। अरे मेरा मोबाइल, अरे मेरा मोबाइल, अरे अरे मेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है। अरे मेरा मोबाइल लेके भाग रहा है। अरे कोई पकड़ो उसको, मेरा मोबाइल लेके भाग रहा है। अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे मेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है। हाँ देखते हैं कुछ करते हैं, पहले गाड़ी निकालो, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऐसे झोलझाल तो ट्रैफिक सिग्नल पे होते ही रहते। अभी इतने साल हो गए ले मेरे को इधर कि ऐसा लगता है कि शहर में रहने वाले हर एक को मैंने कभी ना कभी इधर से गुजरते हुए जरूर देखा है। अब कोई आदमी जिंदगी में खाली एक ही टाइम दिखता है तो कोई रोज। अपन के सिग्नल पे रुकने वाली ऐसे गाड़ियां है ना, अपने मॉडल और कीमत की ऊंच नीच को एक तरफ रख, कंधे से कंधा मिला के ऐसे खड़ी रहती है ना, मानो कि अपने सिग्नल को इज्जत दे रही हो। सिग्नल पे रुकने वाले हर एक आदमी के भेजे में एक ही टेंशन रहता है कि कब ये सिग्नल अपना रंग बदले और कब वो इधर से निकल जाए। इधर बिताए 10 से 15 सेकंड भी साले को घंटे के माफिक लगते। लेकिन गाड़ी में बैठे आदमी के भेजे में एक बात उतरती नहीं कि इतने टाइम के लिए वो एक कस्टमर है। सिग्नल पे पलने वाली अपुन की इंडस्ट्री का एक कस्टमर। अपने धंधे में बहुत जन काम करते और हर काम करने वाले को हफ्ता देना पड़ता है। ये हफ्ता वो सिग्नल के मैनेजर के पास जमा रहता। अब हर सिग्नल का अपना अपना मैनेजर रहता है और केलकर मार्ग के सिग्नल का मैनेजर हूँ मैं। नाम सिलसिला। मैंने इधर वो सब सीखेला है जो किसी भी स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। अरे दाढ़ी, कल लक्ष्मी मंदिर के सामने 4 घंटा खड़ा रहा, कितना मिला? 24 रुपए। इतने
और रात को चांदनी बार पे एक घंटे के अंदर 100 रुपए। अरे भगवान भी रहता किधर है और पता किधर का सही है। अरे चचा ये लो तुम्हारा वो लाल पट्टी का पानी सूख जाता ना अभी सोस लगाने का सोस। अरे उसमें से लो तुम्हारा ये पॉजिटिव है। अरे मुन्ना कुमारी हाँ? चिल्लर लोग को तैयार कर जल्दी से चल। ये सोस बराबर लगाना खून लगना मांगता है और मूंगी बिंगी संभालना। ये सिलसिला हाँ? तेरे को बोला था ना वो आदमी मेरे गांव का है। ये क्या हाँ। उसको अब तक का समझाया कि नहीं? हाँ सब समझा दिया। आपका टाइम पे देने का हाँ। मैं जाफर भाई के कान पे डालता हूँ ठीक है। और ये हाँ भाई सिग्नल पे हक से मांगने का हाँ। पब्लिक देती है तो मेहरबानी नहीं करती है। अपन लेते तो ये लोग के पाप धुलते है ऐसा समझने का कि अलग धोबी घाट है। इधर पब्लिक कपड़े धोने नहीं अपने पाप धोने आती है समझा क्या? ठीक है भाई इसको अपने हाथ के नीचे रखो जल्दी सीख जाएगा। अच्छा चल जा चल भाई। ए मीना कुमारी अरे चल रे जान मत खा तैयार कर रही हूँ ना। हे रश्मि इसका हो जाए तो साफ कर देना। अरे जोड़ी नंबर वन एक तो तुम लोग साला दो जन मिलकर एक जन का भाड़ा देते हो वो तो टाइम पे दो। ठीक है भाई खाली पिली कह के ले जाफर भाई को वहीं तक दे रहे तुम लोग। चलो गलती हो और हाँ अपने सिग्नल पे खड़े रहने का। मैं खड्डा खुदवाने वाला रास्ते पे अक्का हफ्ता ट्रैफिक जाम रहेगा हट्टे तलक नोट कमाने का क्या। और सुन रास्ता देख के क्रॉस कर दू समझा ना। ए ये लम्मा क्या है तेरा बच्चा लगा कि नहीं? अरे लगा रही है ना। अरे क्या नकली बच्चे में इतना टाइम लगा दिए तू। ए चिरकोट चल पैक हो जा तुम लोग अलग अलग समझाना पड़ेगा क्या मालूम है ना नौ सवा नौ तुम लोग की सौतन आती है। चल बंटा सो जा। सौतन क्या होती है? अबे कचरे की गाड़ी। अरे जीना पापा कल से तुम लोग सिग्नल नहीं वसूली के काम पे लगो। हम लोग वसूली में भाई लोग का काम बेल लोग करेगा क्या? अरे आजकल तुम लोग की जैसे तो ज्यादा है। अयो अरे वो जो बैंक का कार्ड लेके पब्लिक फुकट का उधारी लेती है ना उसका वसूली है पैसे भी ज्यादा है। नहीं नहीं वो धंधा में हम लोग का इंटरेस्ट नहीं सिग्नल हमारे जैसा है तुम जाके जाफर भाई को बोलो। अरे यार ये लोग ना कभी ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा जिंदगी में। अरे इधर ले लगता है माँ बेटी ने बैठ कर पंचायत जमा ली इधर। अरे नहीं रे ले चला तू चाय पी। कब से बोल रही हूँ बाल कटवा ले बोल के सुनता क्यों नहीं है? अरे, अरे मौसी आजकल यही तो फैशन में तू धोनी को देख जॉन इब्राहिम को देख आजकल इसी की धूम मचेली है। नहीं तो क्या चल रहे हलकट। लेकिन मनिया भाई साईं बाबा की रंगोली क्यों? अरे बार क्या अभी तू नया नया आयला है ना समझाता है तेरे। अपने बाबा को है ना हिंदू मुस्लिम दोनों मानते सबका मालिक एक लफड़ा नहीं बाबा बोले ना तो एकदम ही और अपना कलेक्शन सुपर हिट क्या समझे। गाड़ी पे क्या के लिए नहीं आया कितना वेट मारा मैं तेरा। अरे वो नंदू के छोकरे लोग हरामी साले कल रात को रंगोली खराब करके गए बाबा से भी नहीं डरे। हाँ वो लोगों को लगता है बहुत बड़ा सुलेमानी कीड़ा है हाँ। निकलना पड़ेगा। नहीं तो क्या ये चिरकुट कौन है? अरे ये बार क्या है वो नाना चौक का वित्तल है ना दो दिन गाँव गेला है मेरे को बोला संभाल इसको मैंने लगा दिया इधर ही जा। अरे इसको अपन के बारे में बताया ना। बार क्या है ये अपना पाया भाई है बोले तो एकदम डेंजर। हाँ इसको किधर भी देखा ना कभी भी देखा ना टान दिखाने का और भाग जाने का। दिल भाई तुम भी यार हमेशा नहीं करता है। ये बार क्या तेरे को मालूम है क्या जब ये अपन तेरे जितना था ना तो इधर ही यही काम करने का इसके साथ। और अभी सिंगल पे कलेक्शन देखता है अपने लाइन में ना आदमी झटपट ऊपर पहुंचता है समझा। अरे ऊपर बोले तो ऊपर नहीं ऊपर देखता है। ए सिलसिला वो देख नंदू के छोकरे लोग आए ले। ए भड़वे अबे लुक्खे तेरे को बोला ना इधर आने का नहीं। ए सिलसिला छोड़ने का नहीं तेरे को बोला ना इधर आने का नहीं चल। अरे चल चल चर्बी अगर तेरे तेरी मां का मतलब तू आजा ना। अरे जा ले गए इसको की गुदरे आजा मां का चल बोला ना तेरे को देख देख यार आ चले चले चल 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 पूरा डाल देगा अंदर चल ना चले छोड़ छोड़ गया जाके कटिंग भी दे चल इनकी तो मां आपकी यार साले। ए शरीफ को टेबल नंबर दो पे साहब लोग को दो चाय दो। साला एक टाइम था जब उन लोग पेस्ट्री की पार्टियों में फोकट की शैंपेन पिया करते थे और आज तू ये कटिंग की चाय पिला के मुझे कार लोन और होम लोन का एजेंट बना रहा है। अरे याद मत दिला यार ये ले नए कस्टमर लोगों की लिस्ट। लेकिन ब्रदर ये तो सब बॉल बेरिंग बेचने वाले चिकी मिकी ट्रेडर्स लोग की लिस्ट है। अरे यार ये लोग ये जो फंसते हैं क्या है ना अनाड़ी होते हैं इनके सामने अगर लैपटॉप खोल दो ना हाँ? तो वैसे ही हड़बड़ा जाते हैं। कोई नल्ली स्कीम चिपका के अपना कमीशन अंदर कर लेने का तेरा करियर का पहला फोन लगा चल। हेलो मिस्टर शेख गुड मॉर्निंग सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम ICICI बैंक। बोल ना। हाँ सर हमारे पास कुछ कार लोन और होम लोन की अच्छी स्कीम्स हैं अगर आपको। माँ का सुबह सुबह फोन करता हरामजादे कमीने फोन है।
गंदी गंदी गालियां देके फोन रख दिया ब्रदर। अरे डर मत यार, गालियों की तेको आदत पड़ जाएगी, 10 दिन में ना गेंडे जैसी खाल हो जाएगी। बार बार इनको फोन करते रहने का, इतना फोन करने का कि पीछा छुड़ाने के लिए वो लोग अपने को अपॉइंटमेंट दे डालते हैं। चल अभी दूसरा फोन लगा, नायर को फोन लगा। क्या नाटक चालू है तेरा, खाना चुपचाप। अरे खा ही रहा हूं ना। क्या सिलसिला भाई, क्या फ्रांसिस, कैसा है? बैठ बैठ बैठ, तेरा सेट कैसा है? मस्त है, पिछले हफ्ते सिग्नल में 4 बार रुका, धंधा अच्छा हुआ ना? धमाल धमाल। अरे सिलसिला भाई, जरा अपने चिल्लरों को समझाओ ना, पैसे मांगने आते हैं कांच को जरा आहिस्ता आहिस्ता ठोके, ऐसे ठोकते जैसे मेरे सेठ ने इनसे उधारी ले रखा हो। ठीक है देखता हूँ। ये मेरा दोस्त है कन्नन, इसको भी अपने धंधे में बड़ा इंटरेस्ट है, जरा समझाओ ना। क्या रे, तेरे को भी धंधे में भर्ती होने का क्या? हाँ होना है भाई। देख छोटे, अपने एरिया के सिग्नल पे रोज गाड़ी रोकने का, हाँ हाँ चलो। हम लोग की जमात में से कोई भी दिखा ना तो उसको 2 या 4 रुपए छिटका देने का, समझा? हाँ भाई। ये 5-6 बार तेरा सेट देखेगा तो उससे बर्दाश्त होएगा नहीं, बाद में मालिक कौन और ड्राइवर कौन बताने के चक्कर में 50 या 100 की वो भी छिटका डालेगा क्या? उस पे से कमीशन तेरा। ए मनिया, ये फ्रांसिस का पिछले हफ्ते का देख दो। हाँ, पिछले हफ्ते का तेरा होता है 120। एक काम कर दो अभी, छोड़ क्या। और तू सिंगल से पहले गाड़ी थोड़ा स्लो करने का, तो लाल बत्ती मिलेगा तभी धंधा बढ़ेगा ना अपना। क्या समझा ना? चल अभी कमती हो जा। चल अंडा भाई, सिग्नल पे ट्रैफिक जमने का टाइम हो गया मनिया। चल चल चल। गजरा लो गजरा, अंकल गजरा ले लो गजरा। मिट्टे मिट्टे मिट्टे। हाँ मिट्टे मिट्टे मिट्टे। कितना? 3 रुपए। चलो खेलकर मार वाले चलो। बॉस, संभाजी नगर के लिए कौन सा बस जाएगा? संभाजी नगर में किधर जाना है? वो अपना आर्मी कैंप के पास। ऐसा करो 354 लिमिटेड पकड़ लो, वहीं जाती है। थैंक यू। ठीक है। क्या सामरी? क्या बाबा, आज सुबह सुबह? हाँ आज मॉर्निंग शिफ्ट है। चल आगे बढ़ आगे बढ़। क्या ना बोला ना तेरे को, चला आगे। ओहो, ये क्या लगा के मुंह पे तुम घूम रहे हो? हैं? तुझे इतने पैसे देता हूँ, अरे कुछ कपड़े वपड़े तो खरीद। हैं? ऐसा अच्छा लगता है क्या पकला? ये ले। अरे बास मार रहा है तू, नहावा ले जा, जा जा। अरे बाबू शिलाजीत है ये, शिलाजीत, उसको दूध के साथ खाना पड़ता है। कितना लेने का दूध? 1 गिलास दूध के साथ थोड़ा मिला करके सुबह जो है खाली पेट में खाना। जितना भी कमजोर हो गया है, ढीला हो गया है, इसको खाने से ना आधे घंटे का लास्टिंग करेगा शिलाजीत। साहब साहब, बाप मर गया, उसके कफन के लिए पैसे दो ना साहब। सच बोल रहे? कसम से साहब, वो देखो उसकी लाश पड़ी है साहब, दो ना साहब, साहब दो ना साहब। क्या है ना, झूठ बोल के लोग शेंडी लगाते हैं ना, इसके लिए तेरे को पूछा। ले जा। थैंक यू साहब। साहब साहब, 80 रुपए का बॉक्स है, 80 रुपए स्ट्रॉबेरी ले लो ना। ले लो ना, 40 रुपए में ले लो ना साहब। साहब साहब, भी बच्चों के लिए। पका मत, चला, भेजा खराब मत कर। अंकल डोना, दीदी डोना। चल आगे बढ़ आगे बढ़। दीदी डोना, हाउ रूड। आगे बढ़। व्हाट डू यू मीन हाउ रूड? आगे बढ़। क्यूट हे लड़की, जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। व्हाई यू आर गिविंग हर मनी? कांट यू सी शी इज सो क्यूट? साहब साहब, फूल ले लो साहब। साहब फूल मैम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दीदी साहब, 40 का जोड़ी। ठीक ठीक भाव बोलो ना। 30 में दे देगी साहब। अरे समझ ना, सब ले लूंगा साला। हल्का सुन तो। भला करेगा माँ, भगवान आपका भला करेगा माँ। बच्चा दूध पीना माँ, दे दी हिम। भिखारी का बच्चा भी अपने बाबा से ज्यादा मोटा है। सर उसके गाल देखो और इसके गाल देखो, तुम तो है ना इसको कुछ खिलाती ही नहीं हो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, इसका सारा बेबी फूड भी तुम ही खा जाती हो क्या? अम्मा अम्मा दे ना। क्या है, चलो चलो आगे चलो। ए प्लेट क्या देख रहे? बाप भेज रहे तेरा, बदली करवाएगा मेरी। साहब अभी जाने दो ना, आपस में समझ लो। हाँ ठीक है निकाल 50 की।
ए, इधर नहीं, पहले मोबाइल अंदर रख। आजकल पब्लिक फोन पे बातें कम और फोटो ज्यादा लेती है। उधर देना पान वाले के पास, बोलना कदम के लिए। ठीक है साहब। ए उधर दे, अरे वो ट्रैफिक इतना बढ़ गया, सिग्नल का टाइम तो बढ़ाओ। जाना बाबा, देखता हूँ मैं। अरे देखता हूँ बाबा, ये वो कदम साहब का है। ठीक है। क्या पंडित, वो मेरी 855 वाली सलवार कमीज गई क्या? अरे मजनू, ये बासुगिरी छोड़ दे, सिगरेट पिलाना। ए ए, नीचे रख, नीचे रख। साला लड़की हो या सिगरेट, तेरे को दोनों फोकट में लेने की आदत पड़ गई है। तेरे बाप का माल समझ के रखा है क्या? अरे पंडित, तेरे बाप का माल तो मेरी माँ है क्या? Listen संजीव, don't irritate me. उस दिन चौकसी के डर्बी के बाद कितनी छोटी गाड़ी भेजी थी तुमने? You know ना, style matters to me. और कुछ नहीं तो कम से कम गाड़ी तो बड़ी भेजते। Oh stop complaining babes. एक दिन के लिए adjust नहीं कर सकती तुम? Adjust? जब से तुम्हारी पिछली बीवी छोड़ के गई है, 4 साल से एडजस्ट ही तो कर रही हूँ। हाहा, don't forget babes that before you met me, तुम बोरीविली से VT second class में जाती थी। लेकिन आज मैं VT से BT की Page 3 तक पहुँच गई हूँ। And that's because of me, हाँ? वरना तुम्हारे बारे में छापने के लायक ही क्या है? Except for तुम्हारी ये revealing outfits. Oh really? और तुम्हारे बारे में है? Business dad का, property dad की। तुमने अपने पैरों पर किया ही क्या है? You need support for everything. I mean, for everything. Just shut up. Damn it. ये लो। कितना है बेचिंदी चोर? 18 रुपए। 18 रुपए से एक पैसा भी ज्यादा बात किया तो फोन काट दूंगा मैं। पिछले टाइम जैसे नहीं चलेगा, जा फोन कर। ये जरा लगा के देना। जा फोन उठा। हेलो, सुनामी रिलीफ फंड? यस। जरा बात कीजिए। ये उठा। हेलो हेलो, हाँ मैं चिन्ना स्वामी वेदगिरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, लेकिन आपका टोकन नंबर क्या है वो बताना। हाँ, टोकन नंबर 8953। ठीक है। बाप का नाम शंकर वेदगिरी, उम्र 44 साल। हाँ। माँ का नाम लक्ष्मी वेदगिरी, उम्र 35 साल। ठीक है, टोकन नंबर वापस बोलो। हाँ मैं वापस बताता है, टोकन नंबर 8953 8953। ओके। हाँ हाँ, 3 3। ठीक है, थोड़ा होल्ड करो। ठीक है साहब, रुकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा जल्दी। हाँ अच्छा अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, तू लाइन पे रहना। हेलो हेलो हेलो, जल्दी। हाँ हेलो। ए जिंदी चोर, फोन काट दिया, चल निकल। साले बोला था तेरे को, उसके चक्कर में मत पड़। अरे उसकी लड़की तो सिर्फ देखा मैंने, ऐसे उछल गया साला। देख बकरा गया। ए कचरा पट्टी। ए चल चल, पैसे निकाल। निकाल पैसे, निकाल बे। अबे पैसे निकाल, चल चल। पैसे नहीं है। ए जर्ती मार इसकी, जर्ती मार, चल। क्या लाया इसमें? ये क्या, ये क्या 30 रुपए साले? झूठ बोलता है साला। ये मेरे कलेक्शन के पैसे, छोड़ो। आज चल जमा हो गया तेरा कलेक्शन, चल चलो रे, चलो निकल, कुछ नहीं है इसमें, चलो। मेरे पैसे, चल आज का बंदोबस्त हो गया। पैसे। अरे हो गया भाई। तुम्हारा कितना? ये 84, पिछले हफ्ते का 34 जोड़ के। गिन। ए मन्या, लगड़ू चाचा के 34 पे चौकड़ी लगा। लगा लगा। अबे ए, ये एक एक का डॉलर साइड में रखना, वो फोन वाले को देने का है। हाँ करता हूँ। ए सिलसिला, एक 10 का पत्ती देना उधर, वापस करेगा? अरे ये दगड़ू चाचा, ये लेना बैंक है, लेना देना बैंक आगे नाके पे क्या? अरे वो सवेरे ड्राइवर लोग का कपलेट था, तो आवाज आवाज दे सब। हाँ ये ले। अरे यलम्मा जीनत,
और तुम लोग भी सुनो, वो सवेरे सब ड्राइवर लोग मच मच करता था। अरे तुम लोग सिग्नल पे गाड़ी का कांच ठोकते हो तो ऐसे ठोकने का ना, तुम लोगों का कांच फोड़ने का है क्या? हाँ मैं बाद में खाली पीली अपना पाएगा सिलसिला तीन जन का पैसा है। वो नकली इजड़ लोग का नाटक बढ़ गया यार सिग्नल पे, साला अमर बेट पे लात मार के जाता, जरा उन लोग का देखो। अच्छा हाँ ए पाया, ये नल्ले लोग पे नजर रखा, साले जिधर भी मिले ना नंगा करके मारे। क्या अन्ना कैसा चल रहा तेरा? अरे एकदम जोर में, जब तक ये छोकरे लोग अपने बस स्टॉप पे तब तक अपने कितने तो घर में रहेंगे ना भाई। ये अपना और ये छोकरे लोग बोलते हैं चला। ये ले भाई मत रो बेटा, ये ले थोड़ा सा खा ले बेटा। अब ये थैली और ये थैली अलग रखा और ये एक कार्ड डाल उसके बाजू में रख। ना ना मेरा बच्चा, ये ले। अरे ये लम्मा, ये बच्चे का क्या गुड़गुड़ चालू है तुम लोग का? अरे इसको कितना बार बोली मैं, ऐसा साउथ का स्टार माफिक मोटा बच्चा लेकर घूमेगा तो कौन पैसा देगा? किसी को दया इच नहीं आती है मेरा बच्चा, इसको बोला भाड़ा कम करने को। अरे क्या भाड़ा कम करना, परवर्ता नहीं तो छोड़ देना, मैं दूसरे सिग्नल पे चढ़ाएगी मेरे बाबला को। चल रहे अरे पर... मीना कुमारी कोई लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है उसको, बराबर बोलती है ये लम्मा। तू एक काम कर, कल से उसको खाली दिन में एक टाइम खाने को दे और सुकड़ा बोम्बिल होने तक उसका भाड़ा थोड़ा कम कर, क्या समझी ना? अरे मौसी तेरी गाय को घास भी जरा कम चरा, उसको सिग्नल पे छोड़ना चालू कर, ट्रैफिक जाम होता है तो अपना भी जलवा होता है क्या? हाँ ठीक है, परसों से छोड़ती हूँ, कल एकादशी है ना सिलसिला। हाँ चलेगा चलेगा। ए सिलसिला भाई इसकी हालत देख, क्या हुआ रे? वो पायदुनी के छोकरे लोग ने पैसे ले लिए। चल ठीक है बैठ तू, तेरे हफ्ते का मैं देखता हूँ। इन छोकरे लोग का नाटक बहुत बढ़ गया है, जाफर भाई के कान पे डाल दे। आज ही फोन करता हूँ मैं। सुन बे ये जाफर भाई का पोटली बना, कल इतवार है बोल के। अरे अरे ओ भाई लोग, कल चौथा इतवार है तो जिसको भी फोकट का चाय नाश्ता मांगता है सवेरे सवेरे खादी के ऑफिस में पहुंच जाने का। नहा दो क्या? चलो अभी वटो चलो। अरे यार सिलसिला खाना कब शुरू करेंगे? हाँ यार मुंह में पानी आ रहा है। अबे सबर अली पकड़, पहली बार आला क्या झंडो? पहले बड़े लोग के चोचले खत्म होने थे, बाद में अपने को ही खत्म करने का है। फिकर मत कर, आए तो मकसद पूरा करके ही जाएंगे। फटे तक खाने का रे। हाँ। ए आनंदी सुषमा नहीं आई? वो तो दादर फूल मार्केट गई है। अच्छा। मौसी हाँ? नाश्ता इनको गरम गरम देना चाहिए ना। हाँ इनके चक्कर में मैंने कल से उपवास रखा है। आइए सर, फिलहाल तो हम लोग ये 650 स्क्वायर फीट वाली जगह से ही ऑपरेट कर रहे हैं। एडिशनल FSI के लिए अप्लाई भी किया है। नाइस। बस आपकी कंपनी से ग्रांट मिलती है, हम लोग हमारी मानकुर्द वाली ब्रांच की तरह यहाँ भी बच्चों के लिए स्ट्रीट थिएटर, सेक्स वर्कर्स के लिए मेडिकल कैंप, ऐसा बहुत कुछ करने वाले हैं सर। नमस्ते अंकल। अरे दीप्ति कैसी है तुम? आइए आइए सर, आइए प्लीज। यहाँ के ज्यादातर बच्चे सिग्नल पर काम करते हैं। वामन जी, वामन जी। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है, नाश्ता शुरू होने के बाद घर वालों के लिए थोड़ा लेके जाओ। हाँ बिल्कुल मैडम, ये है हमारे वामन जी। हाँ, मिल वर्कर की स्ट्राइक की वजह से इनकी नौकरी चली गई, इसलिए थोड़ी दिमागी हालत है इनकी। यहाँ के बच्चे इन्हें मिस्टर इंडिया बुलाते हैं और मुझे खादी। यू नो एक्चुअली इसी हंसी मजाक पर ही तो ये बच्चे जिंदा रहते हैं। एक एक की ऐसी कहानी है मैं आपको बताऊं। आइए आइए मैं मिलाता हूँ उनसे, आइए प्लीज कम। श्योर चलिए। जीनत ये देख इस साल की मिस इंडिया। एक कमला, मिस इंडिया का कॉम्पिटिशन होता है, मिस्टर इंडिया का भी होता है, बीच में हमारा कॉम्पिटिशन क्यों नहीं? नहीं है तो होना मांगता है ना। हमारे पास रेशन कार्ड भी है, वोट भी देता है, हमारे लिए क्यों नहीं? हाँ हाँ, तुम लोगों ने न्यूज वालों के सामने बम बम करना मांगता है, सही बात, मोर्चा निकालना मांगता है, दिल्ली जाना मांगता है। चलो दिल्ली। कैसी है माला? अच्छी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या सिलसिला, क्या मने? क्या डंबर, गोरा होने का भूत निकल गया ना? और पाया अगले साल से तुमको नाइट स्कूल में पक्का जाने का है, समझाना? और इसको तो मैं बोल बोल के थक गया। मेरी बात मान, वो चड्डा का गरा ज्वाइन कर और उसमें मैकेनिक का काम सीख ले यार। एक खादी जान देना, इसके लिए इससे दूर भागता है मैं।
देख तू सुधरेगा तो बाकी के सुधरेंगे, समझा? ये लोग सुधर गए। अच्छा चला, मैं किसी से मिलाता हूँ तुमको, आ जाओ। ये लोग को मिला, मेरे को नहीं। चलना है, मेरे को नहीं आने का। काम करो, उसे मैडम के लिए मंगा लो और हम लोग सीधा ऑफिस चलते हैं। नो प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी, नमस्ते करो सब लोग। नमस्ते। सर ये है सिलसिला। सलाम सर। सिग्नल के जो सारे बच्चे यहाँ आते हैं यही लेके आते हैं उन्हें। सिलसिला, इंटरेस्टिंग नेम। इसके नाम पे भी एक कहानी है। हाँ। बोलना। अरे बोलना। बोलना। अरे वो क्या है ना साहब, वो फिल्म और मैं दोनों 21 साल में रिलीज हुए थे। हाँ। मेरे बाप को बहुत अच्छी लगी करके पिक्चर पे से मेरा ही नाम रख डाला। और ये है मनिया। हाँ। मनिया सिग्नल पे दत्त मंदिर के सामने बहुत बढ़िया रंगोली निकाल। और ये है चिन्नस्वामी वेदगिरी, ये तमिलनाडु से आया है इसलिए यहाँ के लोग इसे सुनामी कहते हैं। अच्छा अच्छा। दिस इज द बॉय आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओह, ही इज द बॉय दैट यू हैड मेंशनड। इसके परिवार वालों का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं। हाउ सैड। और ये है डांबर। डांबर न्यूज़पेपर बेचता है सिंगल पे। अच्छा। 4 साल से रह रहा है वहाँ, इसकी माँ इसे छोड़ गई थी तब से। हैव यू एवर थॉट ऑफ पुटिंग हिम फॉर अडॉप्शन? कोशिश की थी, सिग्नल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसे अभी भी लगता है कि इसकी माँ इसे लेने जरूर आएगी। ओह, हाउ सैड। और ये है पाया। पाया? पाया ये मटन शॉप में काम करता था इसलिए नाम है। पाया बेटे, तुम बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मुझे तो पुलिस वाला बनना है। ओह, देश की सेवा? नहीं, पैसे कमाने। अरे चावड़ा, चेक चेक इस हेडिस। डार्लिंग, कम ऑन, लेट्स हैव अ पिक्चर टुगेदर। या शो, देयर इज अ चेक। वेट वेट वेट। मैडम लोना, आई गिव मैडम वेरी कॉफी कलर। मैडम वेरी गुड एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क मैडम। ए मनिया, वो पाया डांबर बोल रहे थे ना, लगता है वही लोग हैं। फोकट में धंधा जमा के बैठे लिए होते। वेरी ब्यूटीफुल मैडम, काम करा के लगा देगी मैडम। यांचा इत्सा गो, चल कोपचे में लेते, चल चल। ओके मैडम, 200 गिव 200। हां मैडम, फाइन सर। ओके ठीक है, थैंक यू मैडम। अरे ये रंगोली है, ए कौन है रे तू, ये सब क्या चालू है इधर? और ये टपरी किसको पूछ के लगाया तूने इधर? और ये बिना भाड़े के क्या बेच रही है? देखना। ए चुटकी। अरे ए चुटकी पान पर आ गए, किधर जा रही है? ये लगता है पूरा गांव लेके आए लिए। मां का, अरे ये चले पकड़। ये सुन, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? तेरे को कब से बुला रहा हूं मैं। हां ये चुटकी क्या कर लेगी? चुटकी चुटकी ये सब क्या बेच रहे हैं? तुमको पहली बार आए क्या? अभी दिमाग की खोटी मत करो, पहले समझा रहा हूं तुम लोग। अबे जा इधर से, मैंने लोगों को समझा। अरे ऐसा सब नहीं चलता, समझा रहा हूं। अरे फोन काय को मारता है, दिखता नहीं क्या? तीन पहिए पे खड़ा है मैं। चल तू चल निकल। मां का चल निकल। चल आखिरी बार समझा रहा हूं, चल साइड में। अबे चल 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 चल, साइड में साइड में। अरे शानी, तेरे को प्यार मोहब्बत से समझा रहे तो तेरे को समझ नहीं आ रही है क्या? चल चल, मगजमारी मत कर, जा यहां से। इला चल रहे, अभी जाके जाफर भाई को बोलते हैं। चल जिसको बोलेगा बोल, हम डरते नहीं। ए लवंगी, जाती समझ आ रही क्या तेरे को? तेरी टपरी रस्ते पे होंगे, समझी ना? अभी 2-3 दिन का टाइम दे रहे हो तुम दोनों को, पैसे नहीं मिले ना तो तुम लोग को जाफर भाई का वर्ड मालूम नहीं है, आने ना तभी फटेंगी। अरे चल, तेरी मैं हाथी अभी आता हूँ, चल ना। साले, हाँ तेरी माँ का भनवे बच्चे का पैसा छीनता है, बच्चे का पैसा छीनता है। हाँ नंदू के नाम में बहुत भुदकता है तू, भनवे नंदू के नाम में भुदकता है। भाई भाई, वो अपने छोकरे लोग कलेक्शन लेके आए हैं। जा जा जा, चल तू जमा कर। ठीक है भाई, इसको तड़ी दे, तड़ी दे इसको। दोबारा कदम नहीं रखेगा भाई यहाँ पर। कलेक्शन आ गया? हाँ भाई, बस ले रहा हूँ। हाँ भाई, आता है। ए तेरा किधर है भाई? हड्डी भाई, ये मेरा अपने वो नंदू के छोकरे लोग को जो तड़ी दिया ना, बहुत अच्छा खा के लेके गया भाई जान का कान पे डाला है मैं, मेरा माल छुड़ाने के लिए। साला उसको 2 गाली सुना देगा ना तो उस नंदू को अच्छा अक्कल आएगा। अरे भाई मैं क्या बोलता हूँ, कल अगर तुम भाईजान के पास जाओगे तो नहीं नहीं भी लेके नहीं, कल नहीं। अरे बस क्या भाई, इतना ही ना? अरे लेके जाऊंगा तेरे को, अगली ईद पे लेके जाऊंगा। चलेगा मेरे को ईद भी चलेगा। अच्छा वो अपना सिग्नल पे मावशी दगड़ू कैसे? हाँ फर्स्ट क्लास भाई, सब फर्स्ट क्लास। अरे फर्स्ट क्लास। अरे अच्छा, सलाम भाई, मैं ना मैं क्या बोलता हूँ भाई, तुम्हारे लिए एकदम स्पेशल आइटम लेकर आया हूँ मैं। ये अपना वो जड़ी बूटी वाला है ना, उसका ये हफ्ते का लोचा था करके उसने ये दिया, लेकिन फुल गारंटी है भाई। ये क्या? अरे भाई ये शीलाजीत है, शीलाजीत। शीलाजीत तो ठीक है, लेकिन शीला कहाँ है? क्या भाई, अभी मेरी से रहते हो कटिंग पीते।
वो भाईजान को बताना तेरा प्रॉब्लम क्या है वो। हाँ ठीक है। क्या भाई लोग, जाफर भाई कैसे हो? दुबले हो गए हो बहुत। अरे मेंडिकोट चल रहा है ना, इसलिए हल्का हो रहा हूँ। भाई हरकत नहीं बरकत है। बाकी लोग आ गए क्या? आ गए आ गए, पाए तो नहीं बांध रहे सब पटे ले। हाँ चल चल। देखा अपनी मुंबई के लोगों का हिम्मत, इतने बम फटे लेकिन दूसरे दिन सब काम पे वापस। अखी दुनिया अपनी हिम्मत को सलाम कर रही है बॉस। अरे काय का घंटे का हिम्मत, साले काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? ए नंदो कैसा है? और नंदो भाई कैसे हो? अरे माल बहुत कमा रहे आजकल, धंधे के साथ पेट भी बढ़ रहे तेरे। बोल रहा है सलाम भाई, क्या अफजल सब खैरियत? हाँ भाई एकदम जगह से हो जा रहे भाई जान आ रहे। सलाम भाईजान। आदाब आदाब। सलाम भाईजान। नमस्ते भाईजान, क्या हाल है? बढ़िया। सलाम भाई। सलाम। लाओ भाई हकीम भाई दवा लाओ। ए तू भी बैठ। चलो अपना अपना कलेक्शन बताओ। ये नंदू भाई धोनी तेरा बता। चल भाई वो मेरा 24,316। नंदू भाई धोनी 24,316। तेरा अभी कोई तकलीफ नहीं है ना? बता। नहीं भाई, वो पुलिस वाले के साथ जब से आपने सेटिंग किया ना तब से एकदम झकास है। अबे सुन, तेरा छोकरा लोग दूसरे के एरिया में लफड़ा काय को करता है? मेरे को तुम लोग आपस में मच मच नहीं मांगता? नहीं भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। चले ये बबन सात रास्ता, तेरा बता। भाई मेरा 26,412। 26,412 बबन सात रास्ता। भाईजान एक प्रॉब्लम है। अरे बोलना बताना। चल भाईजान, वो बीएमसी वाला पैसे बढ़ाने को बोल रहा है, बोलता है पैसा नहीं बढ़ाया तो मेन रोड के सारे खड्डे भर देंगे और ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो भाई। ठीक है संभाल लूंगा मैं, संभाल लूंगा। चले मोइन बांध रहा, आप तेरा बोल। भाई मेरा 18,350 भाई। कह टाइम से बहुत कम है। ए अफजल समझा इसको, मेरे को भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। कह रहे हैं मोइन तेरा इतना कम क्यों रे? ओ क्या है कि भाई बमला सुबह था ना, इसलिए धंधा थोड़ा ठंडा था, लेकिन भाई ब्लास्ट के बाद अपने लड़के बहुत पहले पहुंच गए थे ट्रैक पे। बहुत मेहनत की है भाई, ये देखो। सबके सब मोबाइल लेके आए भाई, सब चालू पीस है। हाँ हाँ भाई, ज्यादा करके कैमरे वाले हैं। अफजल रू अफजा पिला इसको, ये तो पी के जाना। हाँ हाँ भाई हाँ। चले ये जाफर कालवादे भी, अब तेरा बता। चल हाँ भाई, ये मेरा 25,000 और कड़िया चीरा बाजार का 24,300। कह रहे ये कड़िया किधर है रे? अब वो स्टेशन पे गए, वो कर्नाटक से माल आने वाला है ना। अबे अफजल बोला था ना तेरे को इधर उधर का मत करना करके। लेकिन भाईजान कड़िया बोल रहा था ये लॉट में एक से एक पीस आए ले। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जितने बांग्लादेशी घुसे हैं उनको भी तो सिग्नल पे एडजस्ट करना है। भाई वो कड़िया चीरा बाजार नीचे माल लेके आया, उसको बोल एक दो पीस ऊपर लेके आ, जरा भाईजान को मुआयना करा। ये ऊपर ला रे। ए चलो रे, चलो ए जल्दी चलो। ए ए चले। सलाम भाई। क्या हाल है कड़िया? ठीक है भाई, कमाल है। क्या कड़िया माशाल्लाह एक से एक नगीने लेके आया तू तो। बाकी सब भी ऐसे ही है, सिर्फ दो हट्टे कट्टे हाथ पर कटाने को तैयार है। अफजल फोन कर अग्रवाल डॉक्टर को, बोल दो लेग पीस का ऑर्डर है। हाँ भाई चल निकल। हो चलो चलो तुम लोग निकलो अभी। चलो चलो इन सबको नीचे लेके जा रहे। चल अफजल इन सबको बराबर से हर एरिया में बांट देना, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई। और अंजन एक दो को दरगे के सामने बैठा देना। लेकिन भाई इन लोग में से कुछ लोग को तो हिंदी नहीं आती होगी भाई। अबे अल्लाह के नाम पे दे दे बोलने को, कौन सी उर्दू सीखनी पड़ेगी भाई? क्या वो दुबे साहब आए? भाई वो एमएलए दुबे आए। ठीक है बेटा उसको, और सुन कलेक्शन जल्दी खत्म कर और सारे पैसे हवाले वाले के पास पहुंचा दे। हाँ भाई के पास टाइम पे पहुंचना चाहिए। हाँ भाई। अच्छा भाई सलाम। नहीं नहीं बैठ बैठ भाई जान। बस ठीक है भाई जान, आपको तो पता ही है जो मेरे ऊपर पोटा का केस था वो भी ख़त्म हो गया है, सारे धंधे लीगल हो गए और पीडब्ल्यूडी में भाईजान फर्स्ट क्लास सेटिंग हो गई है। यहाँ सरकार ने 8-10 फ्लाईओवर का ऑर्डर भी पास कर दिया। आप क्या भाईजान, अब तो बस बैठ कर ही खाना है। काम की बात करो ना दुबे जी। हाँ वो क्या था काम, वो आपको मालूम ही है, वो बांग्लादेशी जो हैं कहीं सिग्नल पर उनको लगाओ ना, क्या इनको काम धंधा नहीं रहेगा तो ये टिकेंगे नहीं। इधर मैं इनके वास्ते शौचालय बना रहा हूँ, जब पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो शौचालय बनाने का क्या फ़ायदा।
क्या बात है, बहुत पैसे लगा रहे हो? क्या है, क्या करूं भाईजान, इंडिपेंडेंट एमएलए हूं ना, पैसा तो रोलिंग में रखना ही पड़ता है। पता नहीं कब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना पड़े। अगले महीने इन सब के राशन कार्ड बनवा रहा हूं, वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। और हाँ, कल कोई पेपर में पढ़ा था 180 करोड़ का भिखारियों का बिजनेस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दी। क्या बात है, इनको भी कहीं जमाओ ना भाईजान। बहुत मुश्किल है इस वक्त दुबे जी। मुश्किल और आपके लिए। बात को समझो भाईजान, मेरे को मेरे एरिया में बहुत फायदा है लोग से। हाँ, एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आपका तो मजाक करने का कुछ तरीका ही अलग है भाईजान। माय कार। हद है यार, गाड़ी दो मिनट के लिए खड़ी करो, गाड़ी उठाकर ले जाते हैं लोग। अब आदमी गाड़ी को सर पे उठा के घूमेगा क्या? This is ridiculous. ड्राइवर को भी आज ही छुट्टी लेना था। Excuse me, भाई साहब, do you know where they take these cars? Try कालबा देवी पुलिस स्टेशन, ज्यादा करके वहीं लेकर जाते हैं। Okay, thanks. Can you tell me how to get there? वहां से टैक्सी कर लो, टैक्सी वाले को पता होगा। Okay, thank you, भाई साहब। Welcome. बेचारा। Oh shit, shit, shit. मैं अपना बटुआ गाड़ी में ही भूल गया हूँ। Damn it. भाई साहब, this is really embarrassing, लेकिन क्या आप मुझे टैक्सी के लिए 100 रुपये दे सकते हैं? देखिए भाई साहब, आपको तो पता है लोग गाड़ी को कैसे ट्रीट करते हैं, और मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं कोई बात शाम तक पैसे वापस आपके घर पे पहुंचा। कोई बात नहीं सर, मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप नंबर मुझे दीजिए। नहीं सर, आई इंसिस्ट, प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज देखिए नंबर दीजिए। आप एक काम कीजिए, पैसा रख लीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच भाई साहब। मुंबई बस ऐसा शहर है जहाँ पे लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हाँ, इस तरफ से, राइट? थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं यहाँ एक्सप्रेस टावर में इंटरव्यू के लिए आया था। और क्या है ना, यहाँ से मेरा किसी ने पर्स मार लिया, तो क्या आप मेरे को 50 रुपये दे सकते हैं? ए, चल चल, शेंडी लगाने का धंधा बंद कर, चल जा अलीबाग से आया है क्या? एक चल शेंडी लगा रहे साला, काम बंद करता हूँ। इससे 4 हफ्ते में गोरा होता है क्या? क्या मालूम यार, ऐसा कंपनी वाले तो बोल रहे हैं। ओ तिवारी, काई रे तिवारी, ये क्या टाइम हो गया है? 8:20 में गाड़ी डेपो से निकली, अभी 9:55 हुए। ए, चालनार नहीं, संग उठो तो। मराठी मानसा और असला अत्याचार चालनार नहीं, समझ रहा? चलना है मिस्टर इंडिया, साला पुट्ठा, समझौता मिल वर्कर्स का फेल होता, झेलना हमको पड़ता है। यार आज दे दे, हमारा जन्म को टाइम, मुँह सच्चाई, जिंदगी तरक होगा, अच्छाई बोने का टाइम, कोटी मत कर, दे दे। अरे तुम जैसे कितने लोगों को पैसा दूंगा, अभी तुम लोग में से कोई लेके गया? ए सलमा, तू आके गया? मैं तो नहीं आई। स्टुपिडिटी साला, ये बांग्लादेश मारते लोग लाली पाउडर लगा के हमारा पैसा मार के जाता है। साला एक दिन हाथ में मिलेगा ना, सचमुच काटेगा। यार आज अगले टाइम कोई पैसा मांगेगा ना, बंगाले में बात कर, जवाब मिल गया पैसा नहीं देना। ए सलमा, चल रहा है? अब इन लोगों के लिए बंगाली सीखूं? साहब साहब, दोनों साहब साहब साहब, दोनों साहब, थैंक यू साहब साहब, दोनों साहब। अन्ना, मैं उस छोकरे को बोली, चमड़ी माल है तो बात कर वरना चल निकल। साला ऐसा भागा, फिर शक्ल ही नहीं देखी। एनोरी, तेरा अड्डा आ गया, और आज का भाड़ा मिला के पूरा 64 रुपये हो गया है भाई। हाँ पता है, जब 100 हो जाए तो पूरी पत्ती एक साथ ले ले। एक साथ? एक खजुए, ये बोल बच्चन, पुराना हो गया क्या? तेरी बीवी को बोलूंगी ना तो ऐसा फाड़ेगी कि बाद में मोची भी नहीं सिला पाएगा। साली जब भी मुंह खोलेगी ना, जहर ही उगलेगी। चुप कर, चल निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। साली पागल। सुधर जा मोटे, पता है। साला क्या रे कमला, कैसी है? एकदम मस्त, मेरा मैकेनिक आ रहा है ना। तू कैसी है?
चकाचक ए अन्ना डोमनी को दिखा क्या? अरे नहीं रे, कहीं किसी को शेंडी लग रहा होगा साला गर्दुल्ला। चल चायला चायला। ये ले नूरी। चल निकल। अरे ये फिर आ गया। ए गुल्लू, तेरे को बोला था ना ये बस स्टॉप पे नहीं आने का है, दो बस स्टॉप छोड़ के खड़ा रहने का है। ए नूरी, तेरे को तो मालूम है ना आजकल ये बस स्टॉप मेरे लिए कितना लकी है। लव यू। देखा, पहले धंधे के लिए हम लड़कियां सिर्फ आपस में लड़ती थी, अब ये लोग भी हमारा धंधा खा रहे हैं। और नहीं तो क्या। वैसे इन लोग के जमात बहुत बढ़ते जा रहे हैं आजकल। ये शानी, हमारी जमात के लिए ज्यादा मत बोलना, समझी ना। आजकल हम लोग की बहुत चलती है, हम लोग जिधर भी जाते हैं ना उधर हिट्टे हिट। हाँ हाँ हिट्टे है, मालूम है। ए अन्ना, हाँ तू एक कड़क चाय बना ना अदरक डाल के, हाई बड़ी। वो लाल वाली को बोला। ए इधर आ। ए तो बात कर। शॉर्ट टाइम का कितना लेगी? 1200, चद्दर बदली होटल का अलग। और फुल सर्विस देगी ना? बाद में तो यार रंडी रोना नहीं मांगता है, समझी ना। ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, इधर हाथ नहीं लगाने का। अभी लेके जाना तो जल्दी बोलो। हम दोनों के साथ बैठेगी, जास्ती पैसा देंगे। नहीं नहीं नहीं, दो जन है तो दो लड़की लो। अरे बुला रे। ए कमला, तेरा मैकेनिक नहीं आया? ए वो पीली वाली को बुला। वो नहीं आएगी, उसका गिराया आने वाला है। बाकी तो सब बेकार ही है। ये बॉस, मुझे तो दोनों चलते हैं। मने प्रॉब्लम ना थी। बुला। ए आजा। एक्सक्यूज मी, तेरा कितना रे चिकने? 1500 ओनली, होटल का अलग से। वैक्स है ना? चल बैठ। ए मांडवली कर ले, धंधा दोनों के लिए है। चल बैठ। भावेश भाई, आज तो जलसो छे। लेट्स हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स टुनाइट। चल भाई तेरी चाल है। यू कम हियर भाई, कम हियर, हियर, टेक दिस हियर। डॉलर सर, डॉलर? No dollar. We're going to the airport. Sir, dollar, sir. Go, go. Sir, dollar. Sir. Yeah, aur thoda dal na. Pack bana rahe ke tirat baat rahe hai. Arey, dagdu chacha. Idhar aadhi bottle mein aadha darjan sansar basane wale baithe le. English se English roz thodi milti hai. Arey, chal, manya, tera glass la. Hey, chale chal. Apne ko English winglish jamta nahi hai. Apna ye deshi pausher hai na. Yehi theek hai. इसलिए बोलता है मेरा भारत मान गिला था। यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी है, यही जिंदगी है तो क्या क्या जिंदगी है, यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी है। हाँ, कहीं राख बन के सुलगती रही, कहीं दर्द गम से बिलकती रही, कहीं अश्क बन के बरसती रही, कहीं अश्क बन के बरसती रही, कहीं लम्हा लम्हा तरसती रही। यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी, यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी है। हाँ जिंदगी जिंदगी जिंदगी, यही जिंदगी है, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, क्या जिंदगी है।
कहीं ये गरीबी में जलती रहे, कहीं चंद सिक्कों में बिकती रहे, कहीं हादसों से गुजरती रहे, कहीं मौत के डर से डरती रही, डरती रही। Oh, yeah. यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी है, जिंदगी 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 यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है। ए, ए, चल जा यहाँ से, धोनी का टेम है। गुजरात से सिक्के आए क्या? पागल लगता हूँ तेरे को मैं? अरे पागल नहीं, तो ऐसे क्यों घूमता है? कॉस्ट्यूम है उनका, इसको पहन के घूमता है ना तो ज्यादा कमाई होती है। क्या बोलते हैं? अब उनका नया स्टाइल है भीख मांगने का। नए हो तुम लोग? तुम्हारा चाय। ए चाय पीगा क्या? चले। क्या है? मुंबई में नौकरी के लिए आया, साला पहले ही दिन बीटी स्टेशन पे सारा सामान गायब। एक जोड़ी कपड़ा, जेब में पैसा नहीं, मैं स्टेशन पे ही रहने लगा। ऊपर से मैं जम्मू का, मुंबई में फाड़ू गर्मी, तो मैं क्या किया, कपड़ा निकाल करके उधर स्टेशन पे ही सोने लगा। तो पब्लिक साली पागल भिखारी समझ के पैसा फेंकने लगी। तो तू इधर कब से आया फिर? 10 साल हो गए मेरे को इधर। 10 साल? हाँ। दस साल। बताओ इधर क्या है? हफ्ते के हफ्ता पैसा दो तो म्युनिसिपैलिटी, पुलिस, कोई भी आसपास नहीं फटकती। सब इधर हफ्ता देते और छाती ठोक के धंधा करते हैं। अच्छा, साला मुंबई में बहुत पैसा है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन ये हफ्ते का क्या मगजमारी है? अरे वो अपना लंबे बाल वाला छोकरा है ना। हाँ? सिलसिला। हाँ, हाँ। बस उसके पास टाइम से पैसा पहुंचने का। अच्छा। नहीं तो भाई लोग इधर टिकने नहीं देंगे। अब ये क्या है, अपुन कटता है, नहीं तो भाई लोग ये जो बचा है ना ये भी उतार लेंगे। छिटकी। वो उस दिन जो दो जन आए थे ना। हाँ? वो यही बैठने के पैसे मांग रहे थे। क्यों भी चिंदी चोर, कुछ पता चला? नहीं, लेकिन चल जाएगा। चल जाएगा। अरे नहीं छाया, द पार्टी वॉज एक्सेलेंट, बल्कि सबीना तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मुझे तो उसको घसीट के लाना पड़ा लिटरली। आई सी यू, ओके बाय। तुम अगर अपनी ड्रिंक्स को हैंडल नहीं कर सकती तो इतना पीती क्यों हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू सबीना? स्टॉप। गॉड। अरे अरे विल्सन स्टॉप। अरे गाड़ी रोको एक मिनट, जस्ट स्टॉप हियर। ओह नो, गॉड। ओके जस्ट बेंड डाउन, यू बी फाइन। ओके चाचा, जस्ट ये लोग भी ना अपने जैसे ही हैं, जस्ट फोकट में दारू मिली डीप ब्रेथ तो भाई साहब पी लेते हैं। बेंड डाउन बेट। ओके विल्सन पढ़ लाओ। What happened, madam? Fine. Okay. What happened, sir? Madam, what happened? No, it's okay. She's a bit sick. क्या हुआ? Hey, टोपी, पानी देना. क्या हुआ भाई साहब? It's okay. Madam, take. क्या हुआ? It's okay. I'll do. Hey, चलो अंकल, चलो पीछे चल. हाँ? Hey, पुकार लो. चलो पीछे जाओ, चलो. It's okay. You're right, baby. Madam, okay ना? Boss, she's my wife. Yeah. She's okay. Yeah, yeah. Thanks. Madam, okay ना, madam? Come. Madam, okay ना? You okay? Come. Let's go. Madam, okay ना? हाँ? Yeah, she's fine. वासुगिरी चालू है साले की। यूर ओके ना? से यूर ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। मैं यहाँ पर एक्सप्रेस टर्म में इंटरव्यू के लिए आया था, वो यहाँ पर किसी ने मेरा पर्स मार लिया सर। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग सर।
कैन यू प्लीज गिव मी 50 रुपीज सर, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है सर। सर अगर आपके पास कोई कार्ड हो तो मुझे दीजिए सर, या मोबाइल नंबर दीजिए सर, मैं आपके पैसे कल शाम तक लौटा दूंगा सर। वेयर डू यू स्टे? दहीसरी सर, आनंद नगर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका मोबाइल नंबर? या 9819714504। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सुनो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। थैंक यू। अंकल इसका एक छोटा पैकेट दो ना। अरे एक फेयर फास्ट का छोटा पैकेट देना। चल निकाल 22.5। 22.5 है अंकल, इससे 4 हफ्ते में गोरा तो होता है ना। कौन लगाएगा? मैं। होगा। जमाल भाई 100 का चिल्लर है, जल्दी दो। अरे ये लम्मा, अभी तो सुबह ही 100 रुपए का चिल्लर दे के गई है, अभी फिर लेकर आ गई। अरे जमाल भाई धंधा बहुत अच्छा जा रहा है, मंगलवार जो है, जल्दी करो। अच्छा, ये ले चल। त्रिपाठी जी, हमारा हाईटेक आईटी सेंटर आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाला है। साहब, ओके साहब, दो ना। हाँ त्रिपाठी जी, आपसे फिर मैं बात करता हूँ। फ्रांसिस जी सर, मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम इसी सिग्नल पर आकर के गाड़ी स्लो कर लेते हो, क्या चक्कर है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, गाड़ी आगे बढ़ाओ जी। देखो सबीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस में मत आया करो। आर यू डिमेंटेड और व्हाट? देखो संजीव, मैं जब चाहूंगी जैसे चाहूंगी ऑफिस में आऊंगी, और वो तुम्हारी डाउन मार्केट सेक्रेटरी जिसके लिए तुम आजकल बहुत उड़ रहे हो, कौन? जिसे हमारे क्लब में एंट्री नहीं मिली, उसे तुम क्लब क्लास में लेकर घूम रहे हो। एनीवेज, धीरे धीरे उसे पता चल ही जाएगा तुम क्या करने के काबिल नहीं हो। आहिस्ता बोलो सबीना, ही इज लिसनिंग। As if I care, you dog. अरे तुम अभी भी वैसे ही हो। लो मेरे बच्चे की एडमिशन के लिए दुआ करना। हाँ ठीक। अभी तू बोल ना, जाके बोलो ना। बोलता हूँ। मनिया भाई, ये दोनों कपड़ा बेचने वाली से बात किया मैं, तैयार है ये लोग हफ्ता देने को। उस दिन इन लोग को समझाया मैं तो नड़ रहे थे, इसके साथ ये तो बहुत फुदक रही थी, कह रहे साली मेरे को उल दे रही थी। ए रानी, ये अपने मनिया भाई हैं, बोले तो अपने सिलसिला भाई की एकदम खास बूटी। वो गलती हो गई ना भाई हमसे, हम लोग नवा हैं तो इतना बोल दिया उस दिन। चले रहने दे, दिमाग का दही मत करा भी, मैं बात करता है सिलसिला से। और सुन, आगे से नश्टर नहीं देने का। चल निकल अभी चल। नाम क्या तेरा? रानी, और ये मेरी बहन छुटकी। गुजरात से है ना तुम लोग? वो अपना रेट वेट का चक्कर है ना, वो समझने को आए ले ये लोग। इसमें समझने का क्या, जो सब लोग देते ये लोग भी देंगे। अभी देखो, गजरे वजरे जैसा छोटा आइटम रहता है ना तो उसका हफ्ते का 50 रुपया होता, लेकिन तुम लोग का इसमें ये डांडिया केडिया ये क्या है, ये गुजराती आइटम का जो तामझाम है ना, इसका 80 रुपया हफ्ता होगा। 80 रुपया? फिर तो खाने पीने की भी वांदे हो जाएंगे। ऊपर से राम जी भाई के यहाँ भाड़ा भी देना पड़ता है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? क्या है कि हम लोग गांव से कर्जा निकाल कर सामान बेचते हैं हम लोग। हाँ, और उसका भी ब्याज चढ़ता है ना। हाँ। सिलसिला भाई, लगता है लोग की भयंकर लगी ली। चलो थोड़ा रैम खाते। तू खा ले, मेरे को भूख नहीं है। चलना यार, चल। चल ठीक है, हफ्ते का 60 रुपया फिक्स करते, ठीक है? लेकिन 2-3 हफ्ते में धंधा जमाने का, उसके बाद जितना सब लोग देते तुम लोगों को भी देना पड़ेगा। ठीक है। और सिग्नल पे कुछ भी मचमच हुआ तो मेरे को आके बताने का। मैं हूँ ना। और हाँ, सिग्नल पे जाके बवाल मत करना, नहीं तो भाई लोग चढ़ेंगे हम पर।
तू तो बिल्कुल बीच बीच में एकदम गायब हो जाता है डोमिनिक, तुम्हें क्या सोचने का है रे? ए रुक रुक रुक, मैं देता हूँ। रुक ना, मैं रुक, तू रुक ना। बहुत टाइम से देख रही हूँ मैं, तू कभी मेरे को पैसे इससे देने देता है? साला नशे के वास्ते सबसे उधारी लेता है पर मेरे पास कभी नहीं आएगा ये। क्या रे, मेरे पैसे को क्या कोड़ लगेला है? रान के पैसे क्या खाता नहीं तू? अरे ऐसा कुछ नहीं रे नूरी, काय को फालतू में बिगड़ रही है तू? मैं कभी किसी से कहा उधार लिया? दर्द का वास्ते तो मेरे से कितनी बार उधार लिया रे तू? मैं तेरे से पैसा नहीं लेता है, हाँ देता है। तेरे को कॉफी पिलाता है, तेरे को पूछता है, तेरे को अच्छा नहीं लगता है क्या? अच्छा तो लगता है, लेकिन जब भी कोई मर्द साला हमदर्दी दिखाता है ना तो डर ज्यादा लगता है। आजा। जा, तेरी घंटी बज गई। साला कभी सुधरेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ए कमला। हाँ। क्या रे? अभी तक आया नहीं तेरा वो मैकेनिक? कहीं मुंह मार रहा होगा साला। बापू बीजो दरवाजा देखा नहीं दी दो। गल्लू। यारी यू ना। सुनना। ये तो अपना गुल्लू है। Just a second baby। साला रातों रात ऐसा जादू कर दिया दोनों एकदम बदल गए। This yours for you। देखता कहते हैं ना आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ए गुल्लू तेरी चाल क्यों बदल गई आजकल? हाँ क्या रे? कौन कहता है? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? ए आसमान अन्ना अदरक वाली चाय दे दे उसको। दर्द आजा मारूंगा ना तेरा दर्द निकालते। अल्लाह के नाम पे तेरे बाबा, अल्लाह के नाम पे तेरे बाबा, अल्लाह भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। ये ले ऐश कर और दुआ करना मेरे लिए, दुआ करना मेरे लिए, समझा? जा ऐश कर। क्या भाई 500 रुपए भिखारी को? अबे छोटा घूम फिर के तो अपने पास जाने वाला है। अरे रसिकलाल जी, आप फ्लैट के रेट कम करके क्यों नहीं देखते? अरे दुबे जी, आप कहाँ रेट की पत्थर फाड़ रहे हो? प्रॉब्लम रेट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मेरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तक आने वाला ये 1.5 किलोमीटर के रास्ते का जो पैच है ना, उसको आपके म्युनिसिपैलिटी वाले लोग साल भर खोद के रखते हैं, फिर ऊपर से आपकी ये झोपड़पट्टी, भिखारी, इल्लीगल दुकान है और इतने सिग्नल है, साला ये सिग्नल की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। ये मेरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचते पहुंचते आदमी लंबा हो जाता है दुबे जी। अब तो लोग बोलने लगे हैं कि रसिकलाल जी आपके इस कॉम्प्लेक्स का नाम सागर धारा नहीं सागर धारा भी होना चाहिए। हाँ आप हंस रहे हो, यहाँ फोन आ रहा है भाई लोगों के। अरे फ्लैट बिकेंगे नहीं तो मैं इनको पैसे दूंगा कहाँ से? अरे रसिकलाल जी सेटिंग लगाऊं, बात करूं दुबई में? अरे नहीं भाई लोग से। नहीं बाबा नहीं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं। दुबे जी मुझे पता चला है कि आपकी सरकार ने मुंबई में 8-10 फ्लाईओवर का एक ऑर्डर पास किया है, उनमें से एक फ्लाईओवर अपने कॉम्प्लेक्स के नजदीक आता है, वो अगर 1.5 किलोमीटर आगे आ जाए तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तब तो मैं रेट भी बढ़ा सकता हूँ। देखो ना आपकी कोई सेटिंग हो तो बात करो ना, मैं आपको मॉडल भी दिखा सकता हूँ। मॉडल? हाँ का है? आइए क्या बताओ ना यार। अरे दुबे जी मैं वो मॉडल की नहीं फ्लाईओवर के मॉडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है चीफ इंजीनियर से मिलना पड़ेगा, देखता हूँ, अभी जाने वाला हूँ मैं, बात करता हूँ। सिलसिला क्या बोलूँ सु, मैं कुछ लाई है तेरे वास्ते। ए अभी नहीं बाद में खोल। क्यों बम मैं फटेगा? वो गिफ्ट है तेरे वास्ते। गिफ्ट? अरे तोहफा है रे तेरे लिए। वो उस दिन तुमने हमारा 2 हफ्ते का पैसा कम किया ना इस वास्ते। अच्छा तुम लोग बहुत फिल्मी हो बाप, लगता है हिंदी पिक्चर बहुत देख रहे ले तुम लोग, मेरे लिए तोहफा लेकर आए ले।
ठीक है चल कट ले, देखता हूँ क्या लेकर आई लिए तू। चल अरे और रेशमिन आज तुमने सिलसिला तो देखी क्या रे? नहीं रे। अरे सिर्फ देख उसको आज, देख दिमाग फिर लाया उसका। वाह बावा क्या कपड़ा पहले लाया सॉलिड तकाटक एकदम डासू खींच रहा है। अरे ऐसा लग रहा है फालगुनी पटक के दांडिया से आ रहा है। जा रहा मैं जा रहा, देख पहले बोलता है बनिया फालतू। ए बनिया भाई सिग्नल पे बहुत हरियाली दिख रही है। ए चलना गंडू ग्रीन है बाबा। अरे रानी ने गिफ्ट दिया लाया बाबा। बस हो गया रिक्शन बोले तो चप्पर पार। चल 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 मामा मेरी यार चल जा। अरे पहनने को नहीं शर्माया दिखाने को काय को शर्माता है यार। अरे यार अरे क्या हो गया न जिस दिन तेरी मेरी बात होती है न दिन गुजरता है न रात होती है न दिन गुजरता है न रात होती है न जिस दिन तेरी मेरी बात होती है न जिस दिन तेरी पंडित वो मेरी 935 वाली आइटम गई क्या? अरे मजनू पट्टी तो एक भी नहीं तेरे से फिर भी लगा रहता है और आज तो 15 अगस्त है। अरे कम से कम आज तो उनको आजादी से घूमने दे। अरे एक बार मेरे साथ सेट हो जाएगी ना अपने आप आजाद हो जाएगी। अबू झंडा अबू झंडा वाले हां साहब चार झंडे देना कितने? ₹8 ये ले
छुट्टा रख ले। अच्छा साहब, झंडा ले लो झंडा। अरे बेटा तू भी ले। सुनो, नहीं वो जा। हाँ यहाँ बेटे, क्या झंडे बेच रही हो? हाँ। कितने के दिए? 2 रुपए का एक साहब। 2 रुपए का एक, यानी 2 झंडे के कितने हुए? 4। और 3 के कितने हुए? 6। और 4 के? 8। 5 के? 10। ठीक है, ये लो 10 रुपए। नहीं नहीं, झंडे आप अपने पास ही रखो, जब भी मेरी गाड़ी सिग्नल पे आ जाए ना तो आ जाया करना, ठीक है? हाँ ठीक है। हेलो, मिस्टर शेख, हैप्पी इंडिपेंडेंस। मैं ICBI बैंक से बोल रहा हूँ। बोल। हाँ, मैंने पहले भी आपसे बात की थी। बोल ना। अभी हमारे पास नई कार लोन और होम लोन की स्कीम्स आई है, अगर आपको बार बार फोन, कितनी बार कहा फोन मत करना साला, बार बार फोन करता, अगली बार फोन किया ना नंगा करके मारूंगा साला, डाल दूंगा फोन रख। तू करेक्ट बोला था ब्रदर, अभी मेरे को भी माँ बहन की गालियाँ खाने की आदत पड़ चुकी है। अब कोई गुड मॉर्निंग बोले या गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला था ना। चल अब गौतम और निर्मल को फोन लगा। चल ओके। कितना है? 2 रुपया है। तेरे सेठ को बोल झंडा खरीदने के लिए। चल। हरी हरी आप आया बड़ा। 2 रुपया झंडा ले लो झंडा। झंडा साहब, झंडा। अरे फॉर्मेलिटीज के लिए हाजिर बाजी तेरा मानता है कि नहीं? पता है, पता है। साहब झंडा लो ना साहब, साहब 2 रुपए का। साहब 2 रुपए का एक झंडा? अरे अरे बहुत महंगा है। अरे क्या महंगा साहब, आपको तो ठीक ठीक भाव बोला साहब। साहब लो ना साहब। काय करो जो गए ओ साहब। अरे छोड़ ना यार, अभी वहीं जा रहे हैं, पॉकेट में मिल जाएगा ना। साहब लो ना साहब। ओके 5 रुपए का 3 देता है तो मैं सोचता हूँ। अरे साहब नहीं पड़ेगा, इसमें तो अपना खर्चा भी नहीं निकलता। जा जा तू जा जा। क्या तू जा लो ना। अरे जाना यार जा। साहब लो ना साहब। जा तू जा जा जा। ए भाया चंडा मेरे पास दे, पैसा मेरे से ले, ले रे पॉकेट में, ले ले पॉकेट में साला। देश का नेता बनता है झंडे का भाव करता है साला कुत्रे। चल चल बाबा चल। आज पूरा दिन इतना पक गई लियो, कोई भी चैनल लगाओ देशभक्ति की फिल्म और नेता लोग के भाषण। ए तो कुछ भी बोल यार, ये साले नेता लोग से सरस तो अपनी जमात है। साले दिन में देश को टोपी पहनाते रहते हैं और रात को हम इनको टोपी पहनाते हैं। साले क्या डायलॉग मारती तू? तू अब समझी। अरे डोमनी कहाँ है तू? कल आया था तेरे को देखने के लिए, मैं मिली इसने तू। अरे इधर ही से थी मैं। ओ बीच में थोड़ा माँ को फोन करने के वास्ते गई थी। बता रही थी कि जिस खजुए ने मेरे से शादी करेगा बोल के मुंबई लाकर भेज दिया था ना, साले बड़वे ने गांव में जाके शादी कर ली। बोली कितना गाली देती तू नूरी, गाली ज्यादा देती है बात कम करती है। छोड़ ना डोमिनिक। ए रतरानी, शेख साहब बुला रहे तेरे को यात्री लॉज में, जा जल्दी जा। चल मैं जाती है। एक नंबर का हरामिया साहब। ए शाने, इंस्पेक्टर शेख बोल रहा हूँ। वो मोइन को बोलना पैसा पहुंचाने का ताबड़तोब इंस्पेक्टर शेख डालता है तो कैसा डालता है मालूम है ना? कहाँ डालता है? मुमरा में कबर बनेगी सबकी, याद रख। नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाने का मेरे को साहब। हाँ चल। साहब वो काला चौकी वाले मात्रे साहब की बदली हो गई क्या? बहुत याद आ रहे क्या मात्रे? नहीं मैं तो ऐसे ही। साहब आज कुछ नहीं करते, सिर्फ दारू पी के बातें करते हैं। क्यों आजादी मना रही तू? नहीं साहब क्या है ना, अभी महीना चालू है तो
महीना चालू है। मैं फोकट का बैठता हूं तो तुम लोग का महीना चालू हो जाता है एकदम। हैं? साली रात को 12 बजे बस स्टॉप पे मिनिस्टर को झंडा दिखाने के लिए खड़ी थी क्या तू? ए, मेरे को राख पट्टी नहीं देने का है? महीना चालू है, मेरे को क्या करना है? अपने को तो बस मूड बनाने का है। चल बैठ, कपड़े उतार। पैसा नहीं परवड़ता है तो बड़ी गाड़ी लेके काय को घूमता है ना। दम निकल दिया साले ने। बाबा गरीब को एक पैसा दे, जाओ जाओ जाओ। अरे देना बाबा एक पैसा, बोला ना कल ले लेना कल। अरे कल कल के नाम पे मेरे मार्केट में लाखों रुपए अटके ले कल। देखा अनिल, भिखारियों को भी कितनी चर्बी आ गई है, मोबाइल के डायलॉग भी हम लोग को मार रहे हैं, कभी सुधरेंगे नहीं साले। माय ए माय देना, जय शू जाओ यहां से। माय देना, ए माय 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 दे देना माय। ए डामर इधर आ, क्या हो रहा पाया? तू हमेशा पूछ जाता ना। हां ये वही लोग हैं जो प्लेन में बैठा का काम करते हैं। शट अप एंड गेट लॉस्ट। व्हाट रमेश, साहब ले लीजिए ना, बड़ा प्यारा गजरा है, 10 रुपए के सिर्फ 3 ही गजरा है साहब, ले लीजिए ना मैडम। हां ले लो, ठीक है। अरे क्या साहब, आप हमेशा मेरे से गजरा लेते हैं साहब। ए तेरे को बोला ना मेरे गजरे को कैसे गजरा बेचती तू? चलो चलो अब झगड़ा करो, तेरा गजरा मेरा झगड़ा करो। अरे जाओ, नहीं चाहिए किसी से, नहीं चाहिए जाओ। क्या बेवकूफ लोग हैं, झगड़ रहे हैं। सर ये दुबे साहब की फाइल है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन दुबे? सर ये वही एमएलए हैं जिन्होंने फ्लाईओवर के एक्सटेंशन वाली फाइल भिजवाई थी। ये गवर्नमेंट के जवाइयों को अपॉइंटमेंट क्यों देते हो? सर मैंने टालने की बहुत कोशिश की लेकिन। भेजो भेजो। जहा साहब आपने ये फाइल तो देख ही ली होगी। हाँ दुबे जी मैंने ये फाइल तो देख ली है, लेकिन क्या है उस एरिया में उस फ्लाईओवर की लेंथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यह प्रपोजल नहीं बन सकता। जहां साहब बिल्डर पैसे दबा के खर्च करने के लिए तैयार है अगर आप चाहो।
देखिए दुबे जी, जिस इंटेंशन से आप यहां आए हैं, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं। अब रही बात आपके बिल्डर के पैसे खर्च करने की, तो मेरा खर्चा बहुत कम है, बहुत कम है। लीजिए ना चाय, लीजिए ना। बीड़ी पीकर होंठ काले पड़ गए तेरे। क्या बात है, आजकल मेरे होंठ बहुत देख रहे लिया। चल चल बीड़ी कम पिया कर। चलना, मौसी भी कब से एज बोल रही मेरे को। तू बहुत मानता है ना मौसी को। फिर मेरे माँ बाप के बाद उसी ने तो मेरा ख्याल रखेला है। दो साल का था तब से मौसी के पास ही चूं मैं। मौसी बोलती है 10 दिन की उम्र थी मेरी, तब से इसी सिग्नल पे काम कर रहा हूँ मैं। 10 दिन की क्या? हाँ, अभी देख, पहले मेरी माँ मेरे को गोद में पकड़ के भीख मांगने की, उसके बाद से सिग्नल इच मेरा घर है। तू कल को शादी बनाएगा तो सिग्नल पे रखेगा अपनी बीवी को? एडियो के लिए क्या, तेरे को रस्ते पे थोड़ी रखूंगा मैं। हाँ, मैं पहले बता देती हूँ, मैं नहीं रहती सिग्नल विग्नल पे। मैं साला हल्का बिल। हाँ भाई, कितना नुकसान हुआ? 50 रुपया। रुक ये रख, ऐश कर। यार मुकेश, तुम तो कह रहे थे बॉम्बे सुधर गया है। ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वही गरीबी, वही झोपड़पट्टी, वही बड़ी ओपन एयर टॉयलेट्स। यू कैन कंपेयर दिस टू न्यूयॉर्क। दो ना साहब। नो वे। फ्रांसिस रुको, मैं देता हूँ, इधर आओ, ये लो, चलो आगे बढ़ो। यू बेट, दिस कंट्री विल लिव ऑन चैरिटी। हमारा बड़ौदा का जो प्लान है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे देवी बापू ने कहा था ना दान धर्म करने को। इस भिखारी को मैं हमेशा पैसे देता हूँ। अपने जिग्नेश का एडमिशन ऐसे नहीं हुआ है। जीते रहो। अच्छा तो ये बात है। खुश रहो। This is amazing. Look at this. Can you believe that there's a cow in the middle of the road? It's amazing. In the middle of the road. Hey, kya jam kya hua yaar roach ka? Imagine if you saw that. Hey. I want a picture. Hey, tum log abhi bhi idhar hai? Chori chamri ke saale? Bhul gaye kya? 47 में हमने कैसे लात मार के बाहर भगा दिया था तुमको? What does he want? गाय का फोटो निकलता है तुम लोग, गाय का। Who is this guy? Hey, चालदार नहीं। अरे अंकल क्यों कहीं पे लात मार रहे हो? देख क्या रहे हो तुम लोग? अंकल को बैक, अंकल को बैक, अंकल को बैक, अंकल को बैक। Who the hell Simon? Go back. I was just taking some pictures. He's crazy. He's a crazy man. क्या हुआ क्या? And now I have no money to go home. The man, he was going crazy. Yes. Can you give me 100 rupees to go home? He was a crazy man. Can you give me 100 rupees? I don't understand. Well, I was just trying to take a picture. Don't worry. No, you can take a picture. I don't understand. Oh, okay. This is a crazy scene. Bomb day. Have you got to go? Yeah, let's go. देखो मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, एक नहीं 12 पीस लूंगी। ठीक ठीक भाव लगाओ। मैडम सही दाम लगाया, रोज का यही दाम है मैडम। 100 रुपए के हिसाब से 12 पीस का 1200 दे दो मैडम। ले लो ना। नहीं, अभी भी ज्यादा है, और कम करो।
शेरन 12 पीसेस को खरीद रही हो बेब्स? एलन, इस बार मेरी कलेक्शन का थीम एथनिक है। एथनिक? या नाउ डोंट टेल एवरीबॉडी, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। लास्ट टाइम मालूम है ना फैशन वीक में क्या हुआ था? सारे कपड़े आगे पीछे से खोल गए थे। आई रियली वांट टू प्ले वेरी सेफ दिस टाइम। चलो न तुम्हारा न मेरा, 1000 रुपए में डन करते हैं। उससे ज्यादा एक ठीक है मैडम, ले लो। ये देखो ना। ए रानी, क्या है? इधर आना, एक मिनट रुक जा, आ रही हूँ। अरे आना तेरी अभी। चुकी, ध्यान देना मैडम का। दिखा, मैडम दिखा रही है आपको। आपको ये क्या है? ये अच्छा है। एकदम याहूम खबर आई ली है। क्या? अपनी मौसी की सुषमा है ना, उसको देखने के लिए लड़का आ रहा है। क्या बोलता है? नहीं तो क्या, चल 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 उसको जाके तैयार कर। मैं इसके लिए कपड़े लेती। अरे शादी की बात करने के लिए आ रहे, समझी ना। ए डांडिया राज के कपड़े नहीं मांगता हम लोग। चल ए, तू क्या सर, डांडिया राज के कपड़े पहन के डांडिया के लिए हम लोग। मैं आ रही है। चल चल चल। काफी बड़ी खोली है। हाँ, सुषमा के बाबा ने काफी पहले ली थी, सस्ते में पड़ी थी। सुषमा के बाबा कहाँ है? वो तो बह गए। बह गए कहीं दारू और नहीं? नहीं नहीं, अपने मुंबई में बारिश हुई थी ना 26 जुलाई को, उसमें बह गए। अच्छा अच्छा। अरे मौसी, अपने भालेराव काका का बिजनेस बहुत बड़ा है। अरे महालक्ष्मी मंदिर के आगे चप्पल देखते है। 20 साल हो गए सर्विस करते। बब्बन को भी वही जगह लेके दिए। अच्छा। पहले चप्पल संभालता था, अभी धंधा बहुत फैल गया। मौसी हार और आरती का सामान भी बेचता है ना। मौसी अपनी सुषमा को इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, क्या सिलसिला? बिल्कुल। सुषमा कहाँ है? यही बाजू की खुली में है। पाया, बुला ना उसे। देख रानी, तू मेरे साथ ही रहना, मैं तेरे को पहले से बोल के रखती हूँ। सुषमा, मैं तेरे साथ ही हूँ। धरती का एक पसंद आए तो मना कर देना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। ए सुषमा, तेरा होने वाला मर्द आया है, चला। अरे चल ना। चल अरे आजा आजा बेटी, आजा बैठ। ये मेरी बेटी सुषमा और उसकी सहेली रानी। बाबान को लड़की पसंद है। काका, वो दहेज के लेन देन की बात भी? नहीं नहीं नहीं, दहेज वहेज हमें कुछ नहीं चाहिए। दहेज तो बड़े लोगों के चोचले हैं, हमें तो बेटी सिर्फ एक ही जोड़े में चाहिए। मेरे पास तो एक ही जोड़ा है। Oh Sabina, this is too much. I mean, it's just not happening between us anymore. So let's get divorced. So do that. तुम जाओ वापस अपना बोरीवली, अपनी IC कॉलोनी में रहो और अपना सेकंड क्लास का पास भी बनवा लेना, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की जो औकात है। Just shut up, Sanjeev. Don't think you'll be spared. My lawyer is going to squeeze you dry. फिर इसी सिग्नल पर नजर आओगे तुम इन लोगों के साथ। You are demented. सर, मैं यहाँ एक्सप्रेस स्टार में इंटरव्यू के लिए आया था, मेरा बटुआ किसी ने मार लिया। सर अगर आप प्लीज मेरी मदद करते। सर क्या? सर मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है। सर मैं क्या मदद करूँ? सर आप प्लीज 100 रुपये दीजिए सर मुझे। सर अगर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे ना मुझे सर, तो मैं आपके पैसे कल तक लौटा दूंगा सर। चले, पैसे नहीं है मेरे पास। चल सर प्लीज सर। जॉब मिल गया? रसिक लाल जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खाते पीते खानदान का है ही नहीं। साला टोटली अनकरप्टेड है और अपना सारा सिस्टम तो आप जानते ही हैं, और इस बीच कोई ऐसा आ जाता है तो कितनी परेशानी होती है, न जाने कब समझेंगे ये झा जैसे लोग साले। दुबे जी, आप कह रहे हो ये सब कि इंजीनियर ऐसा है? कुछ करो, इसके ट्रांसफर का कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्ट दिल्ली से अपॉइंट होकर आया है। स्टेट लेवल पे हम इसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? यहां मेरे फ्लैट नहीं बिक रहे, ऊपर से भाई लोगों के फोन पे फोन आ रहे। एक मिनट। आप भाई लोगों को क्यों नहीं बोलते इंजीनियर का कुछ करने के लिए? बाकी के काम करने की जिम्मेदारी मेरी, आप एक बार कह के तो देखिए। फ्लैट बिकेंगे तो फायदा तो आपका, हमारा, उनका, सभी का है ना।
फायदा ही फायदा है, आप उन्हीं से क्यों नहीं कहते काम करवाने के लिए? तो वही पॉपकॉर्न देना है, पैसे वापस करो। अरे भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, आप वही हो ना? कौन है जो केलकर मार्केट ट्रैफिक सिग्नल पे है अंडरवर पहन के भीख मांगते हो? हैं? क्या बोला, फिर से बोला? अरे तू वही है ना? हैं? भाई साहब दिमाग खराब है आपका, दारू पिया आपने? नहीं। गांजे में हो? नहीं। भिखारी लगता हूँ मैं आपको? बिल्कुल भिखारी हो। भिखारी लगता हूँ मैं आपको? अरे कितनी बार तेरे को पैसे दिए मैंने? आपने मुझे पैसे दिए हैं? क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? अरे भाई साहब इस आदमी को देखिए, कहता है किसी सिग्नल पे कोई आदमी चड्डी पहन के भीख मांगता हूँ मैं हूँ, और इसने मुझे पैसे दिए हैं। हाँ भिखारी, भिखारी लगता हूँ मैं क्या? क्या भाई साहब, आदमी की तरफ देखिए फिर बात कीजिए। अरे ये तो सोचिए कि आप कहाँ खड़े हैं, ये मल्टीप्लेक्स थिएटर है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। सुनिए, ये तो शरीफ आदमी है जो आपसे शराबत से बात कर रहा है। हाँ। मैं होता ना तो पहले आपके कान के नीचे बजाता और फिर आपसे बात करता। समझाइए भाई साहब इसको। देखो पिक्चर का गुस्सा किसी सीधे साधे आदमी पर मत उतारो, आराम से पिक्चर देखो और दूसरे को भी देखने दो। जाइए जाइए जाइए। मैंने गांडो समझे छे तने देखाड़ी छू देखाड़ी तने। अरे कहाँ थे तुम? अरे कुछ नहीं, अपना एक ग्राहक मिल गया था। यहाँ भी? अरे हाँ, आज से एक बात तो पक्की है, कोई साला मल्टीप्लेक्स का टिकट भीख में भी देना तो नहीं लूंगा, सब भीख देने वाले यहीं मिलते हैं। चल अभी चलते हैं ठंडे में। फिर मेरा लज बढ़ते ही गया, साला कॉलेज छोड़ डाला, घर का सामान था बेच डाला। एक हॉकी स्टिक बचा था मेरे पास, उसके साथ में ना मैंने साला कॉलेज में स्टेट लेवल का टूर्नामेंट मारा था, वो भी बेच डाला साला एक गलत के चक्कर में। तब ये ना मेरा मिड डे में फोटो छपा था, ये दिखाऊंगा तेरे को देख। चल चल डोमिनिक, छोड़ यार। ए नूरी चल, मैं चलता है। हाँ ठीक है अन्ना। ओके डोमिनिक, पक्का मत यार, हर 15 दिन में तू साला माल पी के सेट होके आता है और तेरा भूले बिसरे गीत का कैसे शुरू हो जाता है। अभी चल छोड़ ना। क्या हुआ, बुरा मान गया तू क्या? रे डोमिनिक छोड़ ना। एक दिन मेरा घर पे एक आदमी आया था, मेरी माँ ने बुलाया था उसको, पढ़ी लिखी नहीं थी ना वो, बेचारी क्या करती पैसे के लिए, सब मेरी वजह से। तू मेरे को हमेशा टोकते रहती है ना कि मैं रान के पैसे का खाता नहीं है, बहुत खाया मैंने। ए लाल परी, गर्दुल से हल्का हो रही क्या? वो पोकल बम्बू है, कुछ कर नहीं पाएगा। चले चल निकल, तेरी तो धुन का तड़ी। ये स्लो मोशन, चला जा। कहाँ लेके जाएगा? ठीक है फैसला ले जाऊंगा क्या, बैठ गाड़ी में इधर। हाँ गाड़ी आगे ले। हाँ सर।
ले बाप मर गया, उसके कफन के लिए पैसे दो ना साहब। लाश किधर है? वो रहा साहब, साहब दो ना साहब, साहब दो ना साहब। लाश है? हाँ, वो लाश है। साहब भूत। लाश है? तेरी पैंगी, चल रहा तू। तू फिर पैसे मांगने आ गया? जा रहे तेरे जैसे मुझे भी नंगा करना चाहता है? क्या समझता अपने आप को? यूं 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 चार साल से यही करता आ रहा हूँ। आज इधर भीख मांग रहा है, कल मल्टीप्लेक्स पिक्चर देख रहा था, फिर फाइव स्टार में खाना भी खाएगा। क्या समझता अपने आप को? इधर आ, तेरी मैं चट्टी निकालता हूँ। क्या समझता है? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अफजल भाई और एक विकेट। अरे चुप भाई, दुबई बात कर रहे, चल भैया। भैया टेंशन मत लो ना, मेरे छोकरे लोग बराबर लगे रहेंगे। हाँ भाई, अच्छा मैं सब छोड़कर इसी पर लगता हूँ। हाँ भाई, हाँ 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 भाई, हाँ भाई, खुदा हाफिज़ अफजल। हाँ भाई, हेलो। अबे साले तुम लोगों को बोला ना लोन नहीं चाहिए करके। लेकिन सर हमारे पास कार लोन बहुत बढ़िया स्कीम आई है, आप एक बार। अच्छा अच्छा, तुम लोग आ जाओ। नहीं नहीं, लोन का स्कीम लेके आ जाओ, जुम्मे के दिन ही आ जाओ। आ जाओ सामने आके थैंक यू बोलो ना। आ जाओ आ जाओ। साला समझ में नहीं आता, इधर पुलिस के पास अपना नंबर नहीं, इन लोगों के पास कहाँ से आ जाता है। अच्छा सुन अफजल, बहुत बड़ा मैटर एक हाथ में आया। भाई लोग को एक इंजीनियर का पूरा खबर मांगता है, एकदम अर्जेंट। इंजीनियर का? हाँ, कोई फ्लाईओवर का मैटर है। वो इंजीनियर का नाम क्या है यार? वो जा चले जा, कहीं कालबा देवी में रहता है, उधर अपना काम कौन देखता है। नंदू है पायधुनी, बबन है सात रास्ता, जाफर 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 पटनी भाई। बुला उसको। हाँ भाई। रानी, शहर जम रहा है ना? अभी मौसी के पास रहते हैं तो नजदीक पड़ता है, नहीं तो रामजी की बाड़ी से सिग्नल कितना दूर पड़ता था। अरे तो बात कर रही है? अरे मैंने पहली बार इसको बोलते हुए सुना है। अरे मैं तो समझा ये तो गूंगी है क्या? भाई वो कहना कि अपने धंधे में साला अपाच लोगों से इतना पाला पड़ता है कि आदमी एकदम ठीक ठाक हो सकता है, साला ख्याल ही नहीं आता। कुछ नहीं बोलते भाई। अबे तू इसकी तरह चावल क्या खा रहा है? गोश्त खा? अरे खा रहा हूँ ना भाई। अब सुषमा के बाद इसका नंबर है, समझी? तू घोष विश नहीं खाती, ठीक है, इसको खिलाते रहना। ढोकला खिला कर खोखला मत कर देना। ढोकला। हाँ अफजल भाई, सलाम वालेकुम। लेना? हाँ तू ले। हाँ पहुँच जाऊँगा भाई। हाँ अफजल भाई ने बुलाया। अरे भाई ये टाइम मेरे को भी लेके चलो ना भाईजान के पास, वैसे भी अपने भाईजान दिवाली और ईद की तरह साल में एक ही बार दिखते। चल तेरे को भी कल लेके जाएगा, ठीक है? चल का। हाँ राणे, वो देख उधर पब्लिक की भीड़ जमा हो रही है। साहब जा देख। हाँ हाँ चल चल, इधर रख रख, इधर रख, इधर रख, इधर रख। ये सावन। हाँ चल उठा बॉडी को। अच्छा वो मर गया गर्दुल्ला। हाँ यार, एक एक करके जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। वैसे भी मुंबई में बहुत भीड़ हो रही है ना। चल हाथ लगा। चल पकड़ ऐसा, चल पकड़, उठा जल्दी चल।
हाँ ठीक है, कपासी मैं बोल दूंगा। भाई वो हवाले वाले का फोन था, पैसा पहुंचा दिया उसने। और वो कालबा देवी वाला छोकरा आ गया ना भाई। सलाम भाईजान। अफजल इसको ठीक से समझाना है। हाँ भाई। कहीं बोल बोल नहीं देना कि इंजीनियर को टपकाने वाले। ठीक है भाई। हैं, गवर्नमेंट का आदमी काम सूम में होना चाहिए। हाँ। कोई किडनैपिंग का केस टिका देना सालों को। ठीक है भाई। ओ अकीम भाई, दवा ला भाई। लाया भाई। कह रहे जाफर कैसा है? सलाम भाई। ए तू जरा पीछे खड़ा रहे, चल। हाँ पीछे। हाँ भाई। देख जाफर, इसके अंदर एक फोटो है। हाँ। शैलेजा नाम का इंजीनियर है कोई, जो तेरे एरिया में किधर रहता है। और सुन, फोटो के पीछे गाड़ी का नंबर भी लिखेला है। हाँ भाई। सुबह से शाम तक कहाँ जाता है, क्या करता है, मेरे को बराबर खबर देते रहने का। काम हो जाएगा भाई। बराबर जी भाई। ये सिम कार्ड रख ले, इसके आगे फोन बिन करने का है ना, तो यही नंबर से फोन करने का, समझा? हाँ चल निकल अभी, चल जा भाई। एक बात क्या है आना। हाँ भाई, ये सिलसिला है। सलाम भाई। इसकी मुंबली बहन की शादी है परसों, तो भाईजान को अगर टाइम है तो आने को बोलिए ना। हाँ देखता हूँ, भाईजान से बात करता हूँ। अच्छा सलाम भाई, खुद हाफिज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं जाफर भाई, बोलना पड़ेगा ना सबको, सिलसिला बोल दे तू। मैं बोलता मैं। ए भाई लोग, आज का नाचने गाने का जलवा जाफर भाई की तरफ से। जाफर भाई दरिया किनारे मिली मुंबई ची परी परी
डिवोर्स सेटलमेंट वाज सुपर्ब। फ्लैट तो छोड़, मुझे उसका अलीबाग वाला फार्म हाउस भी मिल गया है। दूसरी शादी, नो मोर मैरिजेस फॉर मी। और वैसे भी हु नीड्स अ मैन एनीवेज? मार्केट में टॉय बॉयज की कोई कमी है क्या? आई कॉल यू लेटर। ड्राइवर गाड़ी रोको। इसलिए तो आइटम को मिल गया है। अच्छा फिर क्या हुआ? एक काम कर, मैं मिलता हूँ, तू चल। हाँ ठीक है, ओके। चलो। So, how are you? I'm good. How are you? साले, गोरी लड़की दिखाते और शंडी लगाते। जाफर। हाँ बोल जाफर बोल। हम लोग वो इंजीनियर के पीछे लगे हुए भाई। ध्यान रख वो लोग के ऊपर। मेरे को पूरा फाइल मांगते हैं, मेरे को क्या कर रहे हैं उसका। हाँ पूरा ध्यान है भाई, दो तीन दिन में पूरा रिपोर्ट दे देगा भाई मैं। हाँ चल। मुंबई शांघाई बनेगा या नहीं बनेगा इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुंबई की जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उस पे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग। लेकिन सर सुना है कि फ्लाईओवर की एक्सटेंशन के लिए आपको पिछले लगातार कई दिनों से धमकियां मिल रही है बिल्डर लॉबी की तरफ से, अंडरवर्ल्ड की तरफ से। मैं ऐसी धमकियों से डरता नहीं हूँ। देखिए जब से कार्यभार संभाला है तब से धमकियां आ रही हैं। लेकिन कौन है, आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? वो जो भी हो मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुंबई में जो फ्लाईओवर जहां बनने हैं वहीं बन के रहेंगे। थैंक यू। तो ये थे चीफ इंजीनियर शैलेश झा, जो इतनी धमकियों के बावजूद अपने वो लोग आगे है, वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर। उमेश कुमावत, स्टार न्यूज, मुंबई। तो आप ही लोग हैं जो बार बार मोबाइल पर फोन कर रहे हैं? हाँ सर, पिछले कई महीनों से हम आपको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप है कि जो पकड़ में ही नहीं आ रहे। पुलिस भी यही बोलती है। सर हमारे पास होम लोन की अच्छी स्कीम है आपके लिए। और आपके लिए हमने एक स्पेशल स्लैब भी तैयार किया है सर। स्लैब तो हमने भी आपके लिए तैयार किया है। पीजे पियो पियो पियो। चले। हाँ सर चलिए चलो। बाइकल ले 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 स्लैब ले ले हमारा स्लैब ले। सालो इसके बाद तुम लोगों ने मेरे को लोन के लिए फोन किया ना? नहीं करेंगे भाई। तो अपने आप को यहाँ से छुड़ाने के लिए तुम लोगों को अपने ही बैंक से लोन लेना पड़ेगा। चल जान दे अफजल, छोड़। मार उसको। हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ मैं चिन्ना समी बोल रहा है। ताला बेली ना। टोकन नंबर 8953। हाँ बोलो बोलो क्या बोलना है, जल्दी बोलो। कुछ पता चला मेरे घर वालों का? हाँ कुछ पता चला? अभी तक कुछ भी नहीं पता चला, जब पता चलेगा ना तुमको मैं जरूर फोन करके बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है अगले हफ्ते फिर फोन करेगा, अभी मैं रखता है। என்ன சே ரெட்டி சார் என்ன சொல்லறதே
चिन्नस्वामी वेदगिरी करके मुंबई से एक लड़का मुझे बार बार फोन कर रहा है, कोई मिला क्या पूछता रहता है। अभी उसको क्या बोलूं मैं, उसके परिवार के सब लोग मर चुके हैं। अरे हर बॉडी के पीछे जो कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया था ना, अच्छा अच्छा, वो यहाँ के कुछ करप्ट लोग सब खा चुके हैं और इसीलिए उन सबके नाम मिसिंग लिस्ट में डाल दिए। अभी मैं क्या करूं, तला वेले என்னோடது என்ன பண்ணோம் ஒண்ணும் தெரியறதில்ல। ये ले, 2 रुपए ज्यादा हो गए। क्यों खाली पीले अपना पैसा बर्बाद कर रहा है? अब वो लोग नहीं मिलने वाले। भाईजान, वो लोग केलकर मार्ग के सिग्नल पे वो इंजीनियर को 11:30 बजे डाल देंगे। वो काम बजाने वालों के टिकट का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो गया भाई, काम बजाते वो लोग ताबड़तोड़ आजमगढ़ के लिए निकल जाएंगे। देख अफजल, ये काम बरोबर होना चाहिए। बहुत पैसा निकल रहा है भाई लोगों का इंजीनियर के गेम के पीछे। खबर है 10 से 15 खोखा लिया किसी बिल्डर से। इंजीनियर के लिए 15 खोखा? भाई इतना तो वो इनकाउंटर वाले जान बख्शने का नहीं लेते। अबे सिर्फ इंजीनियर का ही मामला थोड़ी ना है, बोला था ना तेरे को फ्लाईओवर का भी मैटर है। केलकर रोड के ऊपर फ्लाईओवर मांगता है बिल्डर को। केलकर मार्ग के ऊपर? लेकिन भाईजान उसके ऊपर से अगर फ्लाईओवर आ गया तो उसके नीचे के सिग्नल विग्नल तो सब चले जाएंगे। अपना तो 1.5 करोड़ का बिजनेस है वहां से। अबे इसीलिए तो इतना पैसा अंदर कर रहे भाई लोग, समझाना। ये काम ठीक से हो जाना चाहिए अफजल। हाँ भाई, देख जाफर, कल 11:30 बजे सिग्नल पे इंजीनियर का गाड़ी रुक जाना मांगता है, समझा भाई? ये देख, ये लोग दोनों काम करेंगे, बाद में उसको ये लोग ले लेंगे बराबर। अरे भाई पूछ के तो लो ना भाई। हाँ अफजल भाई, भाई वो इंजीनियर को मारने वाने का तो चक्कर नहीं है ना भाई? अरे येड़ा हो गया तू, तेरे को बोला ना खाली उठाने का करके। और सुन, भाईजान ने बोला है तेरे छोकरे लोग को बोल बराबर कोऑपरेट करने को, समझ गया ना? हाँ भाई। चल निकल। हाँ भाई। ए भाई तुम लोग जाओ बिरयानी बिरयानी खाओ जाओ। पापा अपना प्रॉमिस याद है ना? हाँ बेटा, पापा को सब याद है, लेकिन आज पापा को बहुत काम है, इसीलिए हम कल जाएंगे, ठीक है ना? और तब तक आप पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, प्रॉमिस प्रॉमिस। विल गो टुमारो, ओके। चलो 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 चलो, स्कूल आ गया। हाँ चलो बॉय बाय। अरे ये लो ये लो ये लो, आओ चलो आओ, बाय करो पापा। बाय बाय बेटा, शाम को जल्दी आना है, याद है ना? हाँ हाँ आ जाऊंगा पापा। ओके चलो बाय बाय। अरे मनिया भाई, उस दिन तो गाड़ी वाला पैसा दे ही रहा था, इतने में भी बाप की लाज बैठकर बीड़ी पीने लग गई, मेरी फट गई भाई, मैं तो भाग गया वहां से। केलकर मार्ग तक आ गई। पक्का? हाँ एकदम पक्का भाई, अभी मेरे सामने से निकली है गाड़ी। ठीक है चल। चलाओ भाई, मेरी गलती नहीं है साहब, जाओ बाहर जाके देखो क्या हुआ है उसे।
बार सच्चाई की रोशनी को बुराई के साए ने अपने आगोश में ले लिया। चीफ इंजीनियर शैलेश झा की सीताराम केलकर मार के सिग्नल पर दिन दहाड़े दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। झा उन चुनिंदा अफसरों में से एक थे जिन्होंने हर काम को बखूबी ईमानदारी से अंजाम दिया और कहा जा रहा है कि यही ईमानदारी उनकी हत्या की वजह बनी। सरकार जो 12 फ्लाईओवर बनाने जा रही है उनके कंस्ट्रक्शन को लेकर पिछले कई दिनों से झा को लगातार धमकी आ रही थी। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे राजनेता और बिल्डर लॉबी का हाथ है। अब देखना यह है कि पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में कितनी कामयाब हो पाती है। कैमरामैन महेश लिमे के साथ उमेश कुमावत, स्टार न्यूज, मुंबई। साला अपने को तो किडनैपिंग बोला था लेकिन इसे तो डाल दिया रे। हाँ बे, अपने से बहुत बड़ा लोचा गला है साला। ये तो अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। अच्छा तो था ही और तुम सबके लिए एक आखिरी उम्मीद भी। वो एक ही तो था जो इस एरिया के सिग्नल और इस बस्ती को बचा सकता था। सालों ने उसे भी मार दिया। अपने मतलब के लिए फ्लाईओवर बना रहे ना यहाँ पर। अब क्या 2-3 दिन में सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं क्या पता कि एक सिग्नल के जाने से कितने लोग बेवजह रास्ते पे आ जाएंगे। जाफर भाई, भाई, भाई वो लोग ने वो इंजीनियर को डाल दिया भाई, भाई वो लोग ने उसको गोली मार दी, भाई अपने को किडनैपिंग बोल के उसको मार दिया भाई, भाई वो खादी बोल रहा था, भाई वो बोल रहा था कि वो अपना सिग्नल और अपनी बस्ती सब जाने वाला है भाई, भाई बोलता है उधर कुछ ब्रिज बोल के कुछ आने वाला है भाई, भाई भाई जान हमने को झूठ बोले भाई, भाई सही नहीं किया भाई जान अपने साथ। मालूम है ठीक नहीं किया, किडनैपिंग का बोल के उस इंजीनियर को मरवाया। अरे क्या कर रहे थे हम लोग, क्या करता तू? साला मेरे को एड़े में निकाला। वो भाईजान, भाईजान है वो। अपुन का बस्ती, अपुन का सिग्नल सब गया लेकिन अपुन कुछ नहीं कर सकते, अपुन कुछ नहीं कर सकते।
बस कर सिलसिला, चुप हो जा, बस कर। देख, हम लोग मिलकर कुछ करेंगे, सुन रहा है? भाभीला बड़ी टीले सिलसिला हाँ, फिलहाल तो जितनी सप्लाई है उससे हम काम चला लेंगे मिस्टर पंडित, लेकिन और जरूरत पड़ेगी। यहाँ काफी लोग हैं और बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। उन्हें रिहैबिलिटेट करने में ही 2 दिन जाएंगे सर, और सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। बस कर। आप कैसे भी करके और फूड पैकेट्स और ब्लैंकेट्स भिजवा दीजिए सर, प्लीज। हाँ सर, मैं बाल सेवा ट्रस्ट से भी बात करके देखता हूँ। शुक्रिया सर। वामन राव जी। सारे बच्चों को कंबल हो गए? एक आध कम है, लेकिन वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, मैंने बात की है, इंतजाम हो जाए। ओके सर। सिलसिला, क्या हुआ सिलसिला? क्या हुआ? सिलसिला, देखो गोखले, मैं समझता हूँ अप्रूवर बनाने के लिए जो भी प्रोविजन है हम जरूर करेंगे, लेकिन याद रहे वो अपने बयान से बिल्कुल नहीं मुकरना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सिलसिला, अभी जज साहब तुम्हें अंदर बुलाएंगे। इंजीनियर झा के मर्डर के बारे में सर, वो जो भी पूछेंगे वो सही से ही बता देना। चलिए, जज साहब बुला रहे हैं। This is the boy. सिलसिला, तुम जो बयान देने जा रहे हो वो किसी के दबाव में आकर, किसी के डर से या किसी की दी हुई धमकी से तो नहीं दे रहे हो? नहीं साहब। और स्टेट अप्रूवर होने के नाते तुम जानते हो कि केस चलने तक तुमको कस्टडी में रहना पड़ेगा? हाँ साहब। गोखले, शिरके, आप बाहर बैठिए। ये सर। ओके सर। बैठो बैठो बैठो। मिसेस दामले, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। इंजीनियर शैलेश झा की हत्याकांड के मामले में नया मोड़ आया है। मुंबई के सिग्नल पर पले बड़े सिलसिला नामक युवक के बयान ने इस मामले में सनसनीखेज रोशनी डाली है। इस युवक के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने शहर के नामी बिल्डर रसिकलाल, डॉक्टर अग्रवाल, इंडिपेंडेंट एमएलए दुबे, जाफर कालबा देवी और मुंबई के माफिया डॉन बाबा शेख उर्फ भाईजान को अपनी हिरासत में लिया है। पूछताछ से मिली जानकारी से न केवल शैलेश झा की हत्याकांड की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है, बल्कि शहर में बड़े पैमाने पर चल रहे भिखारियों के नाजायज कारोबार के बारे में भी सुराग मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 180 करोड़ की इस इंडस्ट्री के तार अंडरवर्ल्ड से लेकर कुछ भ्रष्ट नेताओं तक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन महेश लिमय के साथ उमेश कुमावत, स्टार न्यूज, मुंबई।
अरे मौसी रोने का नहीं, खादी बोला ना मैं जल्दी आएगा। ए सामरी संभालने का, धूप में ज्यादा घूमने का नहीं। अरे दगड़ू चाचा जास्ती दारू नहीं पीनेगा, अंग्रेजी मिला तो भी नहीं पीनेगा क्या? हे माला तू रोती क्या के लिए, जल्दी आऊंगा रे मैं। अरे मीना कुमारी तुम सब लोग फिल्मी हो गए। सुषमा खुशखबरी जल्दी सुनाने का क्या? अरे मनिया तू क्या के लिए रो रहा है? अरे मैं बस गया और आया रे, चल बीड़ी पिला मेरे को चल। अबे डंबर मेरे आने तक गोरा मांगता है, नहीं तो साले मार मार के लाल कर दूंगा तेरे को। सुनामी सुन, तेरे को कोई भी परेशान करेगा ना तो मनिया को बोल लेगा। अरे पाया, अरे रोने का नहीं, तू फुल कार्टून लगता है रोता है। ए मेरी ऐश्वर्या ना ध्यान रखना। रानी सब लोग का ध्यान रखने का, खास करके मेरी मौसी का। रोने का नहीं तुम लोग, चलो आता मैं।